All right, welcome everyone. I know it's still not the full house and आप लोग जो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर इस घर पे और इस प्रोग्राम पे काफी सारे लोग हैं जो डिस्कवरी और सेल्फ में आ रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ ज्यादा आइडिया नहीं होगा, आपको लगेगा कुछ अनोखा सा हो रहा है. इट इज एज इफ सीनियर केजी के किसी को अगर हम क्लास सिक्स में रख देना तो ऐसी फीलिंग आ सकती है, ठीक है. तो लेकिन अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है ना, एनीथिंग वाज बाउंसर, तो फील फ्री टू आस्क, राइट, डोंट हेजिटेट. सो दिस इज कपल ऑफ पीपल विल सी जिनको आपने कभी देखा नहीं है, जो लोग काफी सालों से भगवद गीता और इन सारे सेशंस को अटेंड कर रहे हैं. सो डोंट गेट नर्वस और कंफ्यूज, राइट, बट बी वोकल. सो विल डू सम प्रेयर, और अभी हमने एक प्रेयर सिर्फ गुरु मंत्र सीखा है अभी उसमें से, लेकिन विल डू अ लॉन्ग प्रेयर, ठीक है. और आप लोगों को जितना याद है वो ठीक है, जो नहीं याद है वो आप ध्यान कर सकते हो, और उसको हम डिटेल में बाद में समझाएंगे कि वो क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट. ऑलराइट, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानार्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोदेशं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणं ललिता शिवशाकान्तांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनामिने गौरदूषे नमः. हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे मुखं करोति वाचालं बन्धुं गङ्गायते वंदे श्रीगुरौ दीनसारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम् और आप मेरे साथ मेरे बाद रिसाइट कर सकते हो रामाय राम भद्राय राम रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सीताय पतये नमः रामाय राम भद्राय रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सीताय पतये नमः Right. Okay, so this shloka is very interesting, very interesting shloka. और इसके बारे में हम session के आखिरी में बात करेंगे कि श्लोक में क्या speciality है, right? Everybody knows, understands, right? हम जो बात कर रहे हैं in the English is okay, right? Okay, all right. So today's topic and should we start? Should we wait for people? Should we get started? No point waiting for people. 5:40. It's 5:45. People who are online and have not come yet, I'm assuming will come join. So the alright. So the आज हम ये बात करेंगे कि lessons from the man, right? क्योंकि हमने दिवाली तो बहुत सारी मनाई है, ताकि भी बहुत फोड़े हैं. लेकिन कभी इस बारे में सोचा नहीं है कि इसका क्या लेना देना मतलब है ना. What is it all about? क्यों है दिवाली क्यों मनानी, right? हमें लगता है लक्ष्मी जी को रख दो और बस अकेले अकेले लक्ष्मी जी की पूजा कर दो, है ना? And that is good enough. कभी सोचा है कि बिना नारायण के लक्ष्मी कभी देखी है कभी आपने, right? What is the use of doing such puja? सिर्फ अपने बारे में सोचना, right? रावण भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, right? उसके उसका इंटरेस्ट ही सिर्फ यह था कि मुझे तो बस भगवान की शक्ति चाहिए, है ना? भगवान से कोई मतलब नहीं है. तो ऐसे ही हम भी सोचते हैं हर बार, है ना? भगवान की सिर्फ शक्ति चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, नारायण से कोई इंटरेस्ट नहीं है. हमारे और रावण में क्या डिफरेंस है यह सोचना चाहिए कभी कभी. It is irony, but you know that day, like whenever जब भी दिवाली आती है ना, मैं हर साल सोचता हूँ इस बारे में. कितने दुख की बात है, जो काम रावण कर रहा था वही काम हम सारे कर रहे हैं. खैर, तो anyways, तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं. चॉइस इज योर्स कि आप दिवाली कैसे मनाना चाहते हो. Nobody can force you for doing that. So nonetheless, so basically अगर हम यहाँ कृष्ण की बात करते हैं हर बार, इस बार राम की बात करेंगे. तो कृष्ण और राम में बेसिकली आपको लगता है कोई सिमिलैरिटी दिखाई देती है कोई भी? एक्चुअली बहुत सारे डिफरेंसेज हैं उन दोनों में, राइट? जैसे कि कृष्ण जो है वो अष्टमी के दिन पैदा हुए थे, राइट? और जो राम थे वो रामनवमी के दिन पैदा हुए थे, है ना? कृष्ण जो है वो चंद्र वंश में जन्म लिया उन्होंने, और राम ने सूर्य वंश में जन्म लिया, राइट? और कृष्ण जो है वो अयोध्या में हजारों हजार साल तक राज्य किया उन्होंने, जन्म लिया कहाँ पे? मथुरा में, राइट? और वो बड़े हुए गोकुल में, है ना? और फिर उन्होंने राज्य किया द्वारका में, और जब वो संसार को छोड़ के जा रहे थे तो प्रभास क्षेत्र में किया उन्होंने, राइट? तो हर बार वो अलग अलग जगह पे मूव करते रहे, एक जगह पे कहीं नहीं रहे, है ना? इवन राम जो है उनका, अगर उन्होंने एक बार एक शब्द बोल दिया ना तो वो पत्थर की लकीर है, राइट? नथिंग कैन मूव इट. और कृष्ण का जो झूठ बोलना है वो मतलब गोपियां ग्लोरीफाई ही करती हैं, मतलब यशोदा मैया को जाके, है ना? कृष्ण जो है वो बेसिकली, अगर आप देखोगे कभी ध्यान दोगे उनका जो विग्रह होता है, राइट? वो
थ्री बेंडिंग फॉर्म में होता है ना, त्रिभंग ललितम, सो त्रिभंग रूप में होता है, जबकि रामचंद्र जी को अगर आप देखोगे कभी तो वो स्ट्रेट खड़े होते हैं बिल्कुल ही, है ना। और राम जो है वो एक पत्नी व्रत उन्होंने लिया हुआ था, जबकि कृष्ण जो है 16,108 रानियां थी उनकी। अगर इन दोनों को देखेंगे ना तो बड़ा समझना बहुत मुश्किल है कि ये दोनों एक ही पर्सनैलिटी है क्या, या दो अलग अलग पर्सन है, राइट। क्योंकि एक बार एक आचार्य ने बोला था कि ये बहुत आसान है ये समझ पाना कि ये दो अलग अलग पर्सन है, बट ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि ये दोनों एक ही पर्सन है। इनफैक्ट हमने भगवद गीता की एक क्लास में इस बारे में बात की थी, राइट। बट देयर वन पीपल वन पर्सन दैट वे। सो बेसिकली क्यों होता है, तो भगवान क्या करते हैं, अलग अलग रस इंजॉय करते हैं अपने भक्तों के साथ, अलग अलग रूप लेके, ठीक है, डिफरेंट रसास इंजॉय करते हैं। और रस के बारे में हमने अभी बात नहीं की है, लेकिन हम बात करेंगे कभी। तो बेसिकली भगवान अलग अलग रूप में अलग अलग रस रस का आस्वादन कर लेसेस भी हैं, जबकि कृष्ण जो है उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। तो राम के बिहेवियर से ये सीखने को मिलता है कि आइडियल लीडर कैसा होता है, हम सिर्फ उसको इमिटेट नहीं कर सकते हैं बट हम उससे शिक्षा ले सकते हैं, राइट। सो कृष्ण के बिहेवियर से क्या होता है, क्या फायदा होता है अगर उनके अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर से, तो उनके अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर से ना उनके जो इंटरेक्शन है ना वो बहुत स्वीट होते हैं उसके कारण, ठीक है, बहुत मधुर होते हैं उनके जो आदान प्रदान होते हैं अपने भक्तों के साथ, है ना। इसके कारण जो होता है ना रस जो होता है उनके भक्त बहुत ज्यादा रिलीज कर पाते हैं, क्योंकि कृष्ण बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। सो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट पर्सनैलिटीज ऑल्सो दे आर वन, राइट, एंड दे आर डिफरेंट ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो दैट्स हाउ इट इज। सो बेसिकली हम थोड़ी थोड़ी शिक्षाओं की बात करेंगे और हम रामायण को ना शुरू से जाने की कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई हम कितना कवर कर पाते हैं, क्योंकि रामायण बहुत बढ़िया है और सीखने के लिए बहुत सारा कुछ, राइट। सो नॉनetheless वी विल ट्राई, तो देखते हैं आगे चलते हैं। सॉरी इज इट देयर, फर्स्ट स्लाइड इज फर्स्ट, हां ओनली फर्स्ट स्लाइड इज बीइंग प्रेजेंटेड, ओके। सो दिस स्लाइड, राइट, हम यहां से शुरू करेंगे स्टोरी, क्योंकि स्टोरी कहीं से भी शुरू की जा सकती है। बट क्या हुआ कि मतलब ये आपको पता है, इसको देख के कुछ लग रहा है क्या हो रहा है, एनी गेसेस, मंत्रा एंड के कई, या सो कंप रामायण एक है जो तमिल में है। तो कंप रामायण क्या कहती है, कंप रामायण कहती है कि केकई जो है ना वो राम को ज्यादा प्यार करती थी एक्चुअली, और कौशल्या जो है वो भरत को ज्यादा प्यार करती थी, ऐसा सिचुएशन था उनके। तो फिर ऐसा क्या हो गया, आखिर सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया जिसके कारण बिल्कुल चीजें उलट पुलट हो गई, राइट, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, जब मंत्रा गई, और आप लोगों को कथा तो सबको पता है, राइट, बट उसकी लर्निंग पे बात करेंगे साथ से। तो क्या हुआ, जब केकई के पास गई मंत्रा और उसने बताया कि राम का राज्य अभिषेक हो रहा है, इनफैक्ट हुआ क्या उसके भी पहले की जब पहले बाल सफेद हुए ना दशरथ के, तो इन लोगों ने दशरथ ने जब देखा कि फर्स्ट हेयर ग्रे हो रहे, तो उसने सबको बुलाया अपने मंत्रियों को और बोला कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि आप राम को राजा बना दो। तो उन्होंने ठीक है राम को बुलाया और उन्हें राजा बनाने की बात की, राइट। तो फिर जब राम गए और उसके बाद आपको पता है, राइट, और इधर सारी बात फैल गई पूरे नगर में, जब फैल गई तो मंत्रा जो है वो केकई के पास गई, राइट, और उसने बोला कि देखो राम को राजा बना रहे हैं। तो केकई बहुत खुश हो गई, उसने अपना जो हार था हीरे का वो निकाल के दे दिया उसको, और मंत्रा ने फेंक दिया वहां, और फिर उसने बोला कि केकई ने मुझे बोला क्या हो गया, व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो मंत्रा का मतलब पता है, मंत्रा इसका मतलब क्या होता है संस्कृत में, मन को जो चरण कर दे, ठीक है, माइंड, ऐसा मतलब होता है मंत्रा का, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या मंत्रा ने बोला कि अरे देखो गलत हो रहा है ऐसे वैसे, लेकिन केकई ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्या बड़ी बात है, राम राजा बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो फिर मंत्रा ने अपना वो अस्त्र यूज किया जिससे कि हम मतलब बहुत मुश्किल होता है आगे बढ़ना। तो उसने बोला कि देखो क्या होगा, अगर ये राम राजा बन गए तो फिर होगा ये कि आपका
तो खत्म हो गया सारा कुछ वर्चस्व, क्योंकि अब जो है वो कौशल्या की आपको दासी बन के रहना होगा, दैट इज व्हाट विल हैपन राइट, बिकॉज़ जैसे ही राम राजा बन गए तो ऐसा सुनते ही केकई जो थी वो बहुत दुखी हो गई, गुस्सा हो गई, तो मंत्रा ने उसका जो माइंड था वो चैन कर दिया। और यही होता है जब हम ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्या क्या सीखने को मिलता है इस इंसिडेंट से, आपको क्या लगता है? हाँ एग्जैक्टली, कि अगर हमने बैड एसोसिएशन की ना, गलत लोगों का संग किया ना, तो फिर पक्की बात है कि गिरना राइट। अगर अच्छे लोगों का, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि केकई ने राम को दूर भेज दिया राइट। तो अगर हम चाहते हैं ना कि हम भगवान को अपने पास रख सके, तो हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए राइट। अगर हम अच्छे लोगों का संग करेंगे तो भगवान को हम अपने पास बुलाएंगे, और अगर हम बुरे लोगों का संग करेंगे तो भगवान को हम अपने से दूर भेज देंगे, जो कि काम केकई ने किया राइट। एनी क्वेश्चन? सिंपल राइट, स्टोरी सबको पता है, इसलिए कोई अनोखी बात नहीं हो रही है यहाँ पे राइट। सो आगे चलते हैं, तो ऐसे बहुत सारी सीखने के लायक बहुत सारी चीजें हैं, इनफैक्ट इतनी सारी हैं सीखने के लायक कि आई वाज कंटेंप्लेटिंग कि कहाँ से क्या क्या कवर करें, एंड आई एम स्टिल नॉट श्योर कि हम खत्म कर पाएंगे, बट वी विल सी, वी विल ट्राई। सो अगली जो चीज है सीखने के लायक कि क्या हुआ कि रामायण में, जैसे मैंने बताया ना कि रामायण में क्या होता है कि जब दशरथ ने बुलाया राम को, तो बुलाने के बाद दशरथ ने बोला कि भाई आप युवराज बनोगे पहले और फिर आप राजा बनोगे, तो राम ने ये सब सुन लिया, और उसके बाद ये केकई का इंसिडेंट हो गया। और जब केकई का इंसिडेंट हो गया ना, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से राम को बुलाया गया दशरथ ने, और दशरथ ने बोला कि आपको 14 साल के वनवास में जाना है। द इंटरेस्टिंग थिंग जो हुआ है वहां पे, बहुत इंटरेस्टिंग बात जो होगी कि राम का जो बिहेवियर था ना, वो दोनों जगह पे, चाहे वो वन में जाना हो चाहे वो किंग बनना हो, दोनों में एक जैसा रहा राइट। आपको कहीं भी ऐसा पढ़ने को नहीं मिलेगा कि राम बहुत गुस्सा हो गया है या राम बहुत खुश हो गया है, उन्होंने पार्टी दे दी है, ऐसा कुछ भी नहीं सुनने को आता राइट। दोनों में उनका बिहेवियर एक जैसा था, बिल्कुल ही, मतलब यू नो सेम टू सेम हो गया। सो इनफैक्ट इससे क्या सीखने को मिलता है, व्हाट डू यू थिंक? काम रहना चाहिए और एक जैसा बिहेवियर करना चाहिए। एक और चीज सीखने के लिए यहाँ पे पता है वो ये कि हमको ना कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिलती है ना, उसको सर्विस की तरह लेना चाहिए। जब भी कोई ओनरशिप मिलती है ना, तो उसको भगवान की सेवा की तरह देखना चाहिए, ना कि अपने एंजॉयमेंट के लिए देखना चाहिए राइट। तो राम ने तो केकई को जाके बोला, पता है उसको बोला कि देखो आपको क्या जरूरत थी, मतलब फादर को बोलने की, मतलब यू नो पिताजी को बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, आप मुझे बोल देते, आपके लिए मैं जो पिताजी का जो मेरा लेवल है वही आपका भी है, कोई डिफरेंस नहीं है हम दोनों में, आप दोनों में राइट। तो अगर आप उनको मुझे बोल देते डायरेक्टली, तो भी मैं चला जाता जनरल में, देयर वाज नॉट, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको उनको बोलने की जरूरत पड़ी ठीक है। इनफैक्ट भगवत गीता में, सो सो दिस इज व्हाट वी लर्न राइट, कि मतलब हमें सिर्फ सेवा की तरह लेना चाहिए। अगर कोई भी पोजिशन मिलती है ना, इसलिए नहीं लेना चाहिए कि हमें कुछ उससे वो मिलेगा, चाहे आपको कितना भी बड़ा ओहदा मिल जाए ठीक है। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, हम जस्ट करेंगे ठीक है, जैसे जैसे आदमी को बड़ा डेजिग्नेशन मिलता है ना, वैसे वैसे घमंड अहंकार बढ़ता रहता है ठीक है। एक एक, एक भगवत गीता में श्लोक है, और अगर आप चाहो तो हम लोग साथ में रिसाइट कर सकते हैं। न प्रहर्ष प्रियं प्राप्य इसका मतलब यह है कि जो है ना, ऐसा व्यक्ति जो किसी तरह के दुख में है, दुखी नहीं होता, और सुख मिलने पे बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता है ठीक है, वो अभी से ही दिव्य जगह पे स्थित है ठीक है। और सारी चीजों में इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, सेल्फ इंटेलिजेंट है, अनरिवल्टेड है राइट, और जो भगवान के तत्व को समझता है, भगवान के विज्ञान को समझता है ठीक है ना, कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और मेरा क्या रिलेशन है, जो इन सारी चीजों को समझता है ना, अपनी जगह पे स्थित है, वो ऑलरेडी दिव्य जगह पर स्थित है, ऐसे कहते हैं राइट। तो भगवान जो है ना, राम जो है, वो अपने इस व्यवहार से इस चीज को ऑलरेडी प्रैक्टिकली समझा रहे हैं राइट, कि कैसे आप सोचो, अगर अपने ऊपर रख के कभी देखना चाहिए, सोचना चाहिए राइट। हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग भगवान को भगवान रख देते हैं, बट अगर हमें कोई बोलेगा ना कि 14 साल के लिए चले जाओ जंगल में,
हाउ डिफिकल्ट इट विल बी राइट, क्या क्या होगा, रोएंगे रोएंगे, बहुत कुछ होगा। अगर हमें कोई बोलेगा कि आप राजा बन जाओ अयोध्या के तो कैसा लगेगा राइट, पार्टी होगी राइट। और इमेजिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा राम को, मतलब इट वाज सो अमेजिंग राइट, आई मीन लाइक दैट। सो एनीवेज, सो नेक्स्ट क्या हुआ, अच्छा कुछ दिख नहीं रहा, हां तो नेक्स्ट क्या हुआ, उसके बाद राम जो थे ना उनको वन में जाने को बोला गया राइट। तो हुआ ये कि जितने भी अयोध्या वासी थे वो सारे के सारे राम के साथ जाना शुरू कर दिए। सबने सोचा कि ठीक है हम भी जाएंगे राइट। तो इतने लोगों को लेके चले तो गए आधे रस थोड़े दूर तक, लेकिन राम ने सोचा कि ऐसे कैसे चलेगा, इट इज नॉट ओके राइट, इतने लोगों को कैसे जंगल लेके जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, रात को जब सारे लोग सो गए ना तो फिर उन्होंने रात के 2 बजे लक्ष्मण को जगाया और रात को जगा के बोला कि देखो ऐसा है कि हम लोग ना चलते हैं ठीक है चुपचाप से, और सारे सो गए थे अयोध्या वाले, सारे सो रहे थे आसपास। तो भगवान ने क्या किया कि राम ने रथ वाले को बुलाया और बोला कि ऐसे रथ चलाओ कि थोड़ा इधर लेके जाओ थोड़ा उधर लेके जाओ, और ऐसे ऐसा लगना चाहिए कि सारे डायरेक्शन में रथ जा रहा है ठीक है, और सब लोग कंफ्यूज हो जाए। कुछ इस तरह से रथ चला चला के वो लोग ले गए ओके। और फिर जब अयोध्या वासी जागे तो उनको भगवान नहीं मिले। तो क्या सीखने मिलता है इससे, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, नहीं सुना रहे No. If we keep our senses closed and be ignorant, we'll miss the opportunity to be with the Lord. Yeah, okay. What else? What else do you think about that? We should not serve all people. Yes, sir. Why not? We could involve in that. What else? What else do you think about that? Look, one thing do you think about that? That is that if we are not for our prayer, okay? रिलैक्स हो गए और सो गए राइट, अगर हमने सोचा है कि हमें जपा करना है और सुबह सुबह हम सो गए लेट तक ठीक है, तो भगवान नहीं मिलने वाले ना। अगर भगवान चाहिए तो हमें अपनी भक्ति के लिए बहुत अलर्ट रहना होगा राइट। अगर इनअटेंटिव होंगे लेजी होंगे तो फिर पक्की बात है कि भक्ति का टेस्ट छूट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मौसम के हिसाब से भक्ति करते हैं। जैसे आप देखोगे ना कि जैसे क्या होता है अभी दिवाली का टाइम है तो सबको ऐसे लक्ष्मी जी याद आती है दिवाली के समय राइट, फिर कुछ और आएगा दशहरा था तो फिर ठीक है रावण मारने जाना है, फिर वो क्या आएगा और वो क्या होता है नहीं हेलोवीन नहीं मतलब शंकर जी का होता है ना क्या होता है हाँ शिवरात्रि तो शिवरात्रि के समय सब लोग वो है ना बस बस लगा के निकल जाते हैं। तो ऐसे होता है कि मौसम के हिसाब से बस्ती भक्ति की और हाँ होली होली हो गई तो ठीक है, वो अलग बात है कि दिवाली और होली का किसी को कोई सेंस नहीं है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, बट नॉनetheless मतलब यू नो मौसम के हिसाब से बस भक्ति करना पॉसिबल नहीं है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है राइट। कि आज आज चलो सब सब अच्छा है, अच्छा चल रहा है, घर पे हमारा सारा काम भी हो गया है और सब निपट गया है, कुछ करने को बचा नहीं है, घर की दिवाली की तैयारी भी हो गई है, तो चलो अब ठीक है थोड़ी माला भी कर लेते हैं, ऐसे होने नहीं वाला राइट। अगर आपको करनी है भक्ति तो फिर लग के यू नो जुट के और उसको लाइफ का हायर प्रायोरिटी देना होगा। ये समझना होगा कि यहाँ पे बहुत हायर गोल की बात हो रही है ना, बहुत ऊपर की चीज पाने की बात कर रहे हैं। अगर आप इतनी बड़ी चीज पाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर उसके लिए आपको प्रायोरिटी भी उतनी ही देनी होगी, चाहे कि आपको कुछ और गाड़ी छूट जाए तो छूट जाए, और कोई गाड़ी नहीं छूटती है, चिंता नहीं करना चाहिए राइट। आज तक किसी की कोई गाड़ी नहीं छूटती है राइट, बट प्रायोरिटी देनी होती है। हम बाकी सारी चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, इसको लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। सो एनीवेज एनी क्वेश्चन सो फार, कुछ हैवी हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है राइट ओके। सो बेसिकली अगला आगे क्या हुआ उसके बाद, उसके बाद जब भरत को पता चला तो भरत गए राम के पास राइट, और वहां पर वो जाके तो क्या हुआ कि एक्चुअली क्या होता है कि जंगल में ना एक पेड़ का वो होता है दूध होता है, उसको अगर आप सुनने सर पे लगा लो ना तो आपकी जटा बन जाती है राइट। जो जटा होती है ना वो कैसे बनती है, ऐसी बनती है। तो रामचंद्र जी ने क्या किया था कि उन्होंने जो बार्क होता है ट्री बार्क क्या होता है पेड़ की छाल जो होती है वो पहना हुआ था और जटा बनी हुई थी। तो जब भरत ने देखा कि अरे भगवान जटाधारी हो गए तो इतना दुखी हुए कि रो के वो मूर्छित हो गया वहां पे राइट।
बल्कि जब भरत आ रहे थे तो लक्ष्मण ने बोला था कि देखो भरत जो है ना वो हो सकता है आपको मारने के लिए आपको क्या पता राजा बना दिया उसे, राइट। राम ने जब देखा कि देखो, तो उन्होंने बोला लक्ष्मण को कि देखो लक्ष्मण ऐसे आप कैसे सोच सकते हो, मतलब ऐसा भाई है मेरा। तो फिर जब गए राम जाके देखा कि वहां पर भरत ने भी पेड़ की छाल पहनी हुई थी और उसने भी जटा बढ़ाई हुई थी, ठीक है। क्यों? इसलिए कि जैसा भी भगवान रहेंगे ना वैसे ही मैं रहूंगा, उनका ये डिसीजन था, ठीक है। एक अयोध्या के पास एक जगह है नंदीग्राम करके, तो नंदीग्राम में क्या हुआ कि वहां पर जाके भरत अपना राज करते थे। तो वहां पे ना दो डीटीज हैं, दो अर्चली ग्रह हैं, ठीक है, राम और भरत के। तो वहां पे क्या हो रहा है कि राम और भरत जो है ना वो गले लग रहे हैं एक दूसरे, ठीक है। आपको ऐसे कोई और डीटीज कहीं भी नहीं दिखेंगे कि दो डीटीज एक दूसरे के गले लग रहे हैं, राइट। तो ऐसे था, तो और उसके पास एक गुफा है जिसमें गुफा के अंदर भरत रहते थे, और उनका क्या डिसीजन था कि यदि भगवान जो है ना भगवान अगर सिंहासन में रहेंगे तो मैं जमीन में रहूंगा, और अगर भगवान जमीन में सोएंगे ना तो मैं जमीन के नीचे सोऊंगा, ठीक है, ऐसा उनका आइडिया था। तो इसलिए वे जमीन के नीचे रहते थे और वैसे ही ट्री बार्क पहनते थे, और उसके अलावा पता है खाने के क्या खाते थे, वो जो बागली होता है ना जौ, उसको काउ यूरिन के साथ मिक्स करके 14 साल तक वो यही खाते थे, ठीक है, जौ को गोमूत्र के साथ मिक्स करके खाते थे एवरी डे, राइट। सो बेसिकली वो ना जब मिले थे, जब मिले थे ना राम से, तो उन्होंने पहले तो ये बोला कि मैं मरना चाहता हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा राज्य नहीं करना, और मैं ना इससे अच्छा है कि मैं नॉर्थ की तरफ चला जाऊँ और वहां पे जाके मर जाऊँ। तो राम ने बोला कि देखो मरना जो है ना बहुत आसान है, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मेरा जो इंस्ट्रक्शन है ना उसको फॉलो करो, जो मेरी आज्ञा है ना उसका पालन करो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो मरना बहुत ईजी है, मैं भगवान की आज्ञा का पालन करना थोड़ा मुश्किल है, राइट। हम लोग अपनी सारी चीजों करने को तैयार रहते हैं, लेकिन भगवान की आज्ञा पता नहीं क्या ही रहता है ना, हाउ डज इट मैटर, राइट। बट ऐसे ऐसे थे भरत की, मतलब भगवान की आज्ञा है ना, तो इसके जैसे भगवान रह रहे हैं उससे लोअर स्टैंडर्ड में रहूंगा, दैट वॉज द डिसीजन बेसिकली, राइट। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसके बाद क्या किया उन्होंने, क्या किया, हाँ, चरण पादुका को लेके आए, राइट। और चरण पादुका को लेके उसके ऊपर सिंहासन में रख दिया और उसकी पूजा करने लगे, राइट। और उसकी पूजा करते थे, मतलब क्या किया कि मतलब फूल चढ़ाए, चमर किया और उसको रख दिया सिंहासन में, और उसके बाद उसके नीचे बैठ के राज कर रहे हैं। एक एक और रामायण है जिसमें ऐसी कथा भी आती है कि चरण पादुका ने एक बार भरत को बोला, उसको बोला कि बहुत दुखी हूँ, भरत ने बोला मैं भी दुखी हूँ, उसने बोला मैं आपसे ज्यादा दुखी हूँ, क्योंकि यदि यदि मैं भगवान के पास रहती, राम के पास रहते, राइट, तो मैं उनके पैरों में रहता और पैरों में रह के उनको पूरा वन में उनकी वो करता, सेवा करता, और यहाँ पे मुझे बिठा दिया गया फालतू में, राइट। तो बोले कि मैं भगवान से मैं भी तो दूर हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, लेकिन आप ये सोचो कि मैं पादुका हूँ, राइट, और मुझे आपने क्या कर दिया, सिंहासन पे रख दिया, तो भगवान की सेवा करने की जगह मुझे सिंहासन में रख के मेरी पूजा कर रहे हो, राइट। तो ये बहुत दुख की बात है मेरे लिए, ऐसा बोला चरण पादुका ने। तो बेसिकली कोई भी जो वैष्णव होता है ना, जो भी भगवान की सेवा करना चाहता है ना, वो कभी अपनी सेवा कराने के ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, अपनी पूजा कराने में उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है किसी वैष्णव को, उसको दूसरों की सेवा करना ज्यादा अच्छा लगता है और भगवान की सेवा करना ज्यादा अच्छा लगता है, राइट। सो दैट इज हाउ दिस पीपल वेयर, मतलब राम और भरत और पादुका ऐसे थे लोग। सो बेसिकली सीखने को ये मिलता है इससे हमको कि तो गोल जो है ना वो भगवान को प्लीज करना होना चाहिए, राइट। हमारा गोल लाइफ का ही होना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से जो हमें जम रहा है वो ही करेंगे, बाकी भगवान हमारे हमारे कंसेप्शन में फिट हो जाने चाहिए, नो नॉट रिक्वायर्ड, राइट। मतलब जरूरी नहीं कि आपके कंसेप्शन में फिट हो। फॉर एग्जाम्पल राम इज अ आइडियल पर्सन, तो बहुत लोगों को बहुत आइडियल लगता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, राइट, कि पिता के साथ कैसे, माता के साथ कैसे, वाइफ के साथ कैसे, भाई के साथ कैसे, तो बहुत अच्छा लगता है, राइट। जब हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं नहीं ये तो हमारी मॉरल साइंस में फिट नहीं हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा, राइट, कुछ ऐसे हैं कुछ वैसे हैं, राइट। बट समझना ये पड़ेगा कि भगवान जो है ना वो अपने आप में स्वतंत्र है अपने डिसीजन लेने के, राइट, और वो अपने हिसाब से बिहेव करते हैं, आपके मॉरल साइंस में फिट हो ये जरूरी नहीं है, राइट, क्योंकि उनके लिए कोई ये सारे मोरालिटी उनको बांध नहीं सकती और उनके लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है मोरालिटी,
तो इसलिए गोल हमारा ये होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करना है, ना कि अपने आप को प्रसन्न करना है. क्योंकि जो भी हम एक्शंस करते हैं ना, उसमें ये सोचना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं या नहीं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइट, बारिश का मौसम है तो समोसे बनाएंगे और खाएंगे राइट. और मतलब ये तो हो गया नॉर्मल चीज है ना, कि आम आदमी हर आदमी ऐसा ही करता है अपने एंजॉयमेंट के लिए. फिर कोई भक्त बन जाता है, वो सोचता है नहीं नहीं ऐसा करेंगे कि भगवान को भोग लगाएंगे और भोग लगा के खाएंगे राइट. बट ये भी सही नहीं है. हम क्या सोचते हैं ना कि भगवान प्रसाद बनाने की मशीन है. हम ऐसा कुछ सोचते हैं अभी कि हमने बस घंटी बजा दी, कुछ कुछ कर दिया और बस समोसे हम खाएंगे राइट. बट सोचना ये चाहिए कि भगवान को क्या पसंद है ना, और हमारे को जो मिलेगा ना वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. हमें नहीं खाने को मिला तो चलेगा, लेकिन भगवान को पसंद है करें कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं क्या, कुछ ऐसा सोचना चाहिए राइट. तो गोल ये होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करना है. तो जैसे मैं बता रहा था कि बेसिकली भरत जो थे उन्होंने पादुका को यहाँ पर रख के और उनकी सेवा करनी शुरू कर दी राइट. और इससे हमको स्पेसिफिकली ये सीखने को मिलता है कि जो हम लोग हैं ना वो सिर्फ केयर टेकर की तरह सोचना चाहिए अपने आप को, ना कि प्रोप्राइटर की तरह. क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. ठीक है, भगवद गीता में एक श्लोक आता है, वो श्लोक कुछ ऐसा है, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां यात्वा मां शांति मृच्छति राइट. तो इसका मतलब ये होता है, भगवान बोलते हैं कि मैं ही भोक्ता हूँ, यानी मैं ही प्रोप्राइटर हूँ, ठीक है, इंजॉयर हूँ. सारी चीजें जो इंजॉय करने के लायक है ना, उसका इंजॉयर मैं ही हूँ. सर्वलोक महेश्वर हूँ, यानी कि मैं सारे इस जगत का प्रोप्राइटर भी नहीं हूँ. सुखदम सर्वभूतानां, यानी मैं सबका फ्रेंड भी नहीं हूँ, सबसे क्लोज जो फ्रेंड हो सकता है ना वो मैं हूँ. और इस बात को अगर समझोगे ना तो आपको शांति मिलेगी राइट. ऐसा बोलते हैं. सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर हम अपने आप को नहीं समझते हैं, अगर इस बात को भूल जाते हैं कि जो बात है कि भगवान ही प्रोप्राइटर है, भगवान ही इंजॉयर है और भगवान हमारे वेलविशर भी है. इफ यू फॉरगेट दिस तो होता क्या है ना कि हमारा अहंकार बढ़ जाता है राइट. हम अपने बारे में सोचने लगते हैं कि मेरा क्या, मेरी चीजें, मेरा सब कुछ, मेरे लोग, सबको इंजॉयमेंट में कितना इंजॉय कर सकता हूँ खुद. तो जैसे ही अहंकार बढ़ता है वैसे ही आपको प्रोप्राइटरशिप बढ़ जाती है कि ये सब कुछ मेरा है, ये घर मेरा है, ये कार मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये देश मेरा है, इस तरह की चीजें. और फिर जब प्रोप्राइटरशिप बढ़ती है तो फिर आप इंजॉय करने की सोचते हो क्योंकि मेरी चीजें हैं और मुझे इंजॉय भी करना है राइट. और बट बेसिकली समझना ही चाहिए कि रियालिटी जो है ना इसकी उल्टा है. रियालिटी सच में ऐसी नहीं है. आप लॉजिकली सोच सकते हो उस बारे में जिसको सोचना है राइट. कि जब हम नहीं आए थे ना, जब पैदा भी नहीं हुए थे तब भी ये जमीन थी यहाँ पर नागाजिंदा राइट. और जब हम मर जाएंगे तब भी ये जमीन होगी यहाँ पर. एंड इससे क्या प्रूव होता है कि मतलब ये जमीन हमारी है ही नहीं राइट. हम तो सिर्फ टेम्परेरीली केयर टेकर हैं. हम आ गए और हमने हक जमाना शुरू कर दिया इस जमीन पे अपना. बट उसकी जगह सोचना चाहिए कि हम सिर्फ केयर टेकर हैं राइट. और हम इसको भगवान से जब मिली है तो उसको भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, दैट शुड बी द थॉट दैट शुड हैव. अगर किसी को बहुत बाउंसर जा रहा है ना तो एज ही सेड कि डोंट वरी अबाउट इट राइट, वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल राइट. ऐसा हो सकता है, पता नहीं. तो लेकिन बेसिकली द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज दैट कि हम जो है वो सिर्फ केयर टेकर हैं और भगवान ओनर है राइट. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनीबडी डजंट एग्री, कोई शक सवाल या वगैरह वगैरह. ठीक है, थोड़ा हैवी हो सकता है ये स्टेटमेंट, क्योंकि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान जो है वो ओनर है वगैरह वगैरह. लेकिन खुद को ना दास की पोजिशन पे रखना इतना आसान नहीं है. इस बात को जो समझता है ना उसको शांति मिलती है. ओके, तो यदि कोई इस बात को नहीं समझते ना, जितना परसेंट आपको समझ में आएगी उतना परसेंट आप लाइफ में शांत रहोगे, खुश रहोगे. ठीक है, ऐसे बोलते हैं अगले श्लोक में कि अशांत से कुदा सुगम, जो शांत नहीं है उसको सुख की तो बात ही नहीं है. शांति तो फर्स्ट स्टेप है उसकी राइट. तो अगर आप शांत नहीं हो तो फिर सुख का कोई चांस ही नहीं है. और आप शांत नहीं रह सकते हो जब तक आप भगवान को प्रोप्राइटर और एंजॉयर नहीं समझते. और ये सुनने में बहुत हैवी लगता है मुझे पता है, लेकिन रियालिटी यही है. आप लॉजिकली देख सकते हो, इसके लिए मुझे कोई शास्त्र बताने की जरूरत नहीं है. आपको जो भी चीजें अपनी लगती है ना, वो सारी चीजें या तो आपसे ले ली जाएंगी ग्रेजुअली,
या फिर आप नहीं लॉग इन करोगे, यही होने वाला है। नहीं नहीं सरेंडर नहीं, आपको इतना समझना है कि ये जो भी है ना, जैसे आप मेरे घर पे आ जाओ, मान लो आपका रूम में राइट, हमारे घर में डोर खुला हुआ था, आप आए, आपने देखा कोई नहीं है घर पे, आपने फ्रिज खोला, आपको दिखा कि अरे वहाँ बहुत सारे रखे हुए हैं राइट, एक केक रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, आपने वो केक खाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो आप क्या हो, चोर राइट, आपके बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल है, अगर अगर आप चोर हो तो चोर को कभी शांति मिल सकती है, चोर हमेशा अशांति रहने वाला है ना, क्योंकि वो चोरी कर रहा है राइट। इसी तरह से हमने ये सारी दुनिया में आके ना इस पे अपना हक जमाना शुरू कर दिया, जबकि ये हमारा स्थान नहीं, तो फिर हमें कैसे सुख शांति मिल सकती है। जिसका है उसको अगर हम एक्सेप्ट करेंगे ना कि ये भगवान का है और मैं यूज कर रहा हूँ भगवान के कंडीशन से, भगवान के लिए यूज करूंगा राइट। जैसे आप अनदर एग्जाम्पल राइट, आप कहीं पर जॉब करते हो फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी में राइट, whatever, गूगल में राइट, अभी आप गूगल में जॉब करते हो तो क्या करते हो, आप वहां पर जाते हो और वहां का जो ओनर है ना गूगल का जो भी है, उसके लिए सीईओ के लिए आप उसको सॉफ्टवेयर बनाते हो, है ना, आपको पता है ये बात कि इसका जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट होगा ना उससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला राइट, आप उसके लिए उसके ओनर के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, और जब आप ऐसा करते हो ना तो अल्टीमेटली उससे क्या होता है, उससे आपको आपका हिस्सा मिल जाता है राइट, बट यू डोंट बॉदर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई मतलब नहीं कि कितना मिलियन और बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट होगा यहाँ पे राइट। तो अगर ऐसा है तो सेम सिचुएशन हमें यहाँ पे लानी चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये जो दुनिया है ना ये हमारी नहीं है, इसका एक मालिक है ठीक है, और जो भी इसका मालिक है ना हमें उसके लिए कुछ करना है, बस ये सोचे बिना कि इससे मुझे क्या प्रॉफिट होगा। अगर हम ऐसे इंटेंशन के साथ कुछ करेंगे ना तो हमें शांति मिलेगी। जब आप सोचते हैं ना कि ये सब मेरा है तो फिर फ्रस्ट्रेशन आता है कि मेरा बेटा आईआईटी में जाना चाहिए, अगर गया तो पता नहीं, अगर नहीं गया तो क्या होगा राइट, तो फ्रस्ट्रेशन होगा। अगर हमने सोचा कि ये बेटा तो मेरा है नहीं, भगवान का दिया हुआ एक वो है राइट, मुझे दिया गया है, तो अगर ये इसका जो होगा मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डालूंगा और उसके बाद जो होगा वो होगा राइट, तो मैं जो कर रहा हूँ भगवान की सेवा कर रहा हूँ क्योंकि ये बच्चा भी मुझे भगवान ने दिया है। अगर हम इस भाव से करेंगे तो हम कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे राइट, ऐसे समझा रहे हैं। सो एनीवेज इट्स अ डेफिनेशन, सेवा है या भक्ति, अभी भगवान के पास तो सब कुछ है, लेकिन ऐसे ऑपुलेंस जैसे ना बटन, तो करें कैसे इसके बारे, तो आप कभी गंगा गंगा के वहां पे गए हो, हरिद्वार में गए हो कभी? उसके अलावा हम लोग जाएंगे तो क्या करते हैं हम लोग, गंगा जी का जल लेके गंगा जी में डाल देते हैं राइट, हमारे पास कुछ है भी नहीं वैसे भी राइट, जो भी है भगवान का ही है सारा कुछ। देखिए मैं एग्जांपल कई बार दे चुका हूँ पहले भी यहाँ की कई क्लास में, पर बेसिकली अगर आप आपका बच्चा जो है मान लीजिए राइट, अगर आपके पास सब कुछ है, आप उसको लाके चॉकलेट देते हो राइट, आपको चॉकलेट चाहिए क्या इसका मतलब नहीं ना, लेकिन अगर वो बच्चा उसका एक टुकड़ा तोड़ के आपको देगा ना कि मम्मी पापा मुझे है ना मुझे आपको खिलाने का मन है, तो आपको कैसा लगेगा, या आपको चॉकलेट की भूख है या आप चॉकलेट नहीं खरीद सकते हो, लेकिन उस बच्चे के लिए भी चॉकलेट आपको बहुत स्पेशल लगी है ना, आपको लगेगा कि ये बच्चा जो है ना मुझे प्यार करता है, ही लव्स मी राइट, तो बस उतनी भूख है भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। हमें देखिए समझना पड़ेगा हर चीज का पर्पस, एनजीओ ज्वाइन करने का ना पर्पस समझना होगा, इसीलिए ना शास्त्र को पहले सामने रखना चाहिए। अगर हम लोग सो रहे ना तो हम तो कभी मरने नहीं वाले, अगर कोई भूखा बैठा हुआ है रोड पे तो क्या वो मर जाएगा सच में? नहीं, क्योंकि वो सोल है राइट, बॉडी की हेल्प करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सोल की, ये सोचना पड़ेगा राइट। अगर कोई आदमी डूब रहा है तो आपने उसको पकड़ा, उसका कोट उतार दिया और उसे कोट को घर लेके आ गए और बोला देखो मैंने उसका कोट बचा लिया राइट, तो क्या फायदा है इसे कोट बचाने का, है ना, तो उसको बचाना ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसीलिए शास्त्र की नजर से देखेंगे तो समझ में आ गया कि क्या हेल्प करनी है राइट, तो हम डिटेल में बात करेंगे राइट, व्हाट ऑल कैन बी डन, ठीक है, अभी टाइम है।
सो बट कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, कुछ नहीं तो आप भगवान को भोग लगाइए, बाहर जो भूखा बैठा हुआ है उसको जाके प्रसाद खिलाइए, उसको उसके बॉडी का तो जो हेल्प होगा वो होगा और उसके सोल का भी हेल्प होगा, राइट। और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जैसे मैडम बात करेंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, हाँ बोलिए। तो कि केयर टेकिंग एक्टिविटी में अगेन वी शुड बी इन अ मूड वेयर बॉडी बी एंजॉय, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सोचना चाहिए कि घर मेरा नहीं है, ये घर जो है भगवान का है और मैं यहाँ पर केयर टेकर हूँ, मैं उनका दास हूँ। अगर आप ऐसे रखोगे ना तो आप इस घर को साफ करोगे कि नहीं, ऑफकोर्स, राइट। यहाँ पर अच्छा खाना बनाओगे या नहीं, ऑफकोर्स, राइट। इस घर के लिए पैसे लेके आओगे कि नहीं, है ना, सब कुछ करोगे। तो देखने में कोई बाहर वाला आदमी जो रोड पे आराम से घूम रहा है, जो अपने घर को टेक केयर कर रहा है, और आप भगवान के घर का टेक केयर कर रहे हो, दोनों में कुछ अपेरेंटली कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, राइट। बल्कि आप ज्यादा अच्छा कर रहे होगे। अभी आप सोचो कि अगर आपने झाड़ू लगाते हुए चीटी मार दी उस बाहर वाले ने, तो उसको क्या होगा, उसका कारण मिलेगा कि नहीं, राइट। अगर आपने भगवान के घर पे झाड़ू लगाते हुए चीटी मार दी तो क्या होगा, वो चीटी जो है ना वो मुक्त भी हो सकती है, क्योंकि भगवान के घर में उसका मृत्यु हुई है, राइट। और आप भगवान के घर साफ कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई कर्म का भी चक्कर नहीं है ना। सो इट्स अ सिनलेस लाइफ, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा लाइफ में, अपेरेंटली ऊपर से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। सो एनीथिंग कैन बी डन एज लॉन्ग एज गॉड इज इन द सेंटर, भगवान को बीच में रखो और फिर कुछ भी करो, जो भी करना है वो, नो प्रॉब्लम, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की तरफ, राइट। सो हम कहां थे, चरण पादुक के बारे में बात कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये लोग गए वन में, है ना, और फिर क्या हुआ, उनको एक बहुत सुंदर सी एक स्त्री आई, राइट। कौन थी वो, शूर्पणखा। तो शूर्पणखा जो थी वो बड़ा सुंदर सा रूप बना के आई थी, और उसके बाद राम से बोला कि मुझे शादी करनी है आपसे, राइट। तो राम ने पहले मजाक में बोला कि देखो ऐसा है कि मेरे पास तो मेरी पत्नी है, लक्ष्मण अकेले हैं, उनसे जाके शादी कर लो। फिर लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने क्या किया कि उसकी नाक काट दी, है ना, शूर्पणखा की। तो शूर्पणखा की नाक कट गई, और उसके बाद ये हुआ कि वो अपने एक्चुअल रूप में आ गई, और वो रूप में आ गई उसके बाद, राइट। तो कपटता जो होती है ना बहुत ज्यादा लंबी चलती नहीं है, हम लोग बहुत अच्छा अच्छा कवर लगा के चलते हैं कई बार, लेकिन जब होता है ना तो फिर सब बिगड़ जाता है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत बड़ी बड़ी शब्द ना बहुत अच्छे से सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम्बल है, टॉलरेंट है, राइट, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी वर्ड्स हैं, लेकिन जब पढ़ती है ना तो फिर सब खत्म हो जाता है, सब निकल जाता है, राइट। तो समझना ये चाहिए कि जो रिवर्सल होते हैं ना लाइफ के, वो हमारा टेस्ट होता है। जब हमारे साथ लाइफ में कुछ बुरा हो रहा होता है ना, तो वो हमारा टेस्ट चल रहा होता है, ठीक है। और उस टेस्ट को जो क्रॉस करता है ना, वो एक स्टेप आगे जाता है अपने एंडेवर में, ठीक है, अपनी भक्ति में एक स्टेप आप आगे जाते हो। उसको ऐसे सोचना कि मतलब जबकि जो लोग उस जगह टूट जाते हैं ना, वो वहीं पर ही बन गए होते हैं। जैसे आप बड़ा बड़ा सब कुछ सुन लो यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिलोसफीज, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे ना, जब सच में लाइफ में बुरी बुरा समय आएगा, तो ये ऐसा है जैसे बोट को अगर मैं बांध दूँ ना पानी में साइड में, राइट, तो बहुत वेव्स आएंगी, इधर जाएगी बोट, उधर जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो कहीं भी मूव नहीं करती हो। ऐसे ही हमें लगेगा कि हाँ हाँ वाह वाह कितना अच्छा, इधर जाती है उधर जाती है, लेकिन हम रस्सी से बंधे हुए हैं वहीं के वहीं, कुछ भी मूव नहीं करेगा। तो यदि मूव करना है ना, तो रिवर्सल का जो समय होता है ना, जो बुरा समय होता है ना, उस जगह पर अपनी बात में स्थिर रहना चाहिए, अपने ज्ञान में स्थिर रहना चाहिए। इतना सारा ज्ञान की बातें सुनते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जब बुरा समय आता है, जब सच में कोई हमें कुछ बुरा भला कहता है, तब हमने ये सब ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, ये सारी चीजें कहाँ गई, तब हमें सोचना चाहिए इन चीजों के बारे में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज सिर्फ थ्योरी है और कुछ भी नहीं है, राइट। सो बेसिकली सीखने के लिए यह है कि हमारी जो ग्रेटनेस है ना, वो हम कितना टॉलरेट कर पाते हैं प्रोवोकिंग सिचुएशंस को, राइट, हम कितना उसको सह पाते हैं जब हमारे साथ बुरा होता है कुछ, इससे हमारा ग्रेटनेस टेस्ट होता है, राइट। क्योंकि सेम सिचुएशन उसके साथ भी हुई थी, राइट, किसके साथ, पूतना के साथ, सेम स्टोरी, राइट। पूतना भी ऐसी आई थी, बहुत सुंदर सी स्त्री बन के आई थी वहां पर, और इतनी सुंदर आई थी कि मतलब सारे गोकुल में सबने सोचा कि अरे लक्ष्मी जी खुद आ गई है, और उन्होंने दे दिया कृष्ण को उनके हाथ में, राइट। और फिर जब उसको पेन होना शुरू हुआ पूतना को, तो फिर से वो भी ऐसे ही अपने नॉर्मल रूप में आ गई। जब पेन होता है ना, तो हमारा नॉर्मल रूप सामने आ जाता है,
उस समय सोचना चाहिए कि हम कैसे मेंटेन कर सके, ये सब बड़ी बड़ी बातें जो सुनी है ना उनमें से उसको कैसे मेंटेन कर सके, तब कैसे भगवान को हम सेंटर में रख पाएंगे जब जब कुछ बुरा हो रहा होगा, ये हमको टेस्ट करता है राइट, और हमें आगे जाने को प्रेरित करता है राइट, दैट्स हाउ वी गो अहेड, देयर इज नो अदर वे। ओके एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो क्या होता है ना कई तरह के भक्त होते हैं, एक तरह का भक्त होता है, मैं सब मैं रिपीट कर रहा हूँ जो मतलब भगवत गीता में बताता रहता हूँ, एक भक्त होता है उसको कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं, वो क्या सोचता है कि मैं और भगवान बस, और वो ये सोचता है कि मतलब बीच के जो बाकी लोग हैं ना वो सब फालतू हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। आप भक्त बन गए मान लो तो भी आप सोचते हो कि भगवान की पूजा कर दी, हाँ बस हो गया राइट, बट एक उसके ऊपर का लेवल होता है जिसको मध्यम अधिकारी बोलते हैं, और मध्यम अधिकारी क्या करता है, वो समझता है कि ये जो लोग हैं ना इनका सिग्निफिकेंस बहुत हाई है, क्योंकि भगवान तक तो मैं डायरेक्टली पहुंच नहीं सकता राइट, लेकिन जो वैष्णव है वो बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मुझे भगवान तक पहुंचा सकते हैं, है ना, भगवान मेरी क्या सुनेंगे, बट ये लोग इतने एलिवेटेड है कि इनकी तो सुन लेंगे शायद राइट। तो वो चार चीजें करता है, उसको बोलते हैं प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। ठीक है, तो प्रेम का मतलब वो भगवान से प्रेम करता है, मैत्री मतलब वो भक्तों के साथ मित्रता रखता है, ठीक है, कृपा मतलब जो थोड़ा उसके नीचे है ना, जो नए जो लोग भक्त नहीं है मान लो उनके ऊपर कृपा करता है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और उपेक्षा जो अभक्त है ना, जो भगवान के बारे में बुरा भला बोलते हैं ना, उनकी उपेक्षा करता है। ठीक है, सो डिस्टिंक्शन करना पड़ता है, लेकिन कुछ नहीं अगर समझ में आता ना तो एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए जो मैं लास्ट क्लास में बोल रहा था भगवत गीता की, मतलब एटलीस्ट जितना हम अपने से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मेरे साथ जैसा हो, एटलीस्ट उतना तो दूसरों के साथ करना ही चाहिए मिनिमम राइट, इतना तो करना चाहिए, ह्यूमन तो बनना ही पड़ेगा, भक्त बनने से और बहुत सारी चीजों से पहले ह्यूमन तो बनना ही पड़ा राइट, उतना तो करना ही चाहिए। ओके या सो डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसके बारे में तो हम प्रसाद के समय बात कर सकते हैं राइट, बिकॉज आपकी बात से ऐसा लगा कि आपको स्पेसिफिक पर्सन के लिए क्वेश्चन है, तो वी कैन टॉक राइट। सो या तो बेसिकली ओके आगे चलते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये हुआ कि अग्नि, ये आपने सुनी है ये स्टोरी कि अग्निदेव में बेसिकली सीता जी जो थी वो अग्निदेव आए और उन्होंने सीता जी को रख लिया, और एक माया सीता जो थी वो बाहर आ गई उससे राइट, और जो रावण था वो बड़ा ग्रीडी था, मतलब ना उसको ऑफकोर्स सीता चाहिए थी। तो देखिए सीता का सिग्निफिकेंस क्या है पता है, सीता जो है ना वो भगवान की शक्ति है राइट, तो एक है शक्ति और एक है शक्तिमान। हम लोग जैसे लोग भी ना, मैंने बताया ना शुरू में मैंने इससे क्या था, हम जैसे लोगों को भी ना भगवान की शक्ति चाहिए, पैसे चाहिए राइट, जमीन जायदाद बच्चे बच्चे सब चाहिए, ये सब समझना पड़ेगा कि ये सारे भगवान की शक्तियां हैं एक्चुअली राइट, और हमें ना शक्तिमान से कोई मतलब नहीं। तो रावण की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही थी, वो ना धोखे से हर के लेके जाना चाहता था सीता को, लेकिन हुआ क्या कि उसके हाथ आई कौन, माया सीता उसके हाथ आई, उसके हाथ में एक्चुअल सीता नहीं आई राइट, हुआ कुछ ऐसा ही। और ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, जब हमें भगवान की शक्ति चाहिए ना हमें हाथ में सिर्फ आती है क्या, ये माया और कुछ नहीं आता राइट। तो समझना इससे ये चाहिए, हमको क्या समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? हाँ, भगवान के साथ ही भगवान की शक्ति रहती है, और जो है ना धोखे से भगवान का धोखा देके भगवान की शक्ति को नहीं प्राप्त किया जा सकता, कोई भी नहीं कर पाया राइट, सबने कोशिश की, बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन किसी के हाथ नहीं आती है भगवान की शक्ति राइट। भगवान की शक्ति जो है ना जहाँ पे शक्तिमान होगा वही शक्ति होगी। अगर आप लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो ना दिवाली के दिन तो साथ में नारायण को भी रखना जरूरी है, दिस इज बेयर मिनिमम। एटलीस्ट आई वुड से कि अगर आप दिवाली के दिन पूजा कर रहे हो ना तो लक्ष्मी नारायण होने चाहिए और सीताराम होने ही चाहिए, अदरवाइज आप किसकी पूजा कर रहे हो, किस ओकेजन पे कर रहे हो ये सारा कुछ, ये भूलना नहीं चाहिए कि सीताराम इज द मेन थिंग राइट। और इसको भूल जाते हैं लोग, गणेश लक्ष्मी और सरस्वती क्यों, क्योंकि हमको जब ये सब शक्तियां चाहिए भगवान की, हमें कोई मतलब नहीं भगवान से, और यही काम रावण वाले सारे लोग कर रहे थे राइट, सभी को यही सब चाहिए था। एनीवेज हां तो बोल रहा हूं, गणेश लक्ष्मी दिवाली में ये कॉन्सेप्ट कैसे आ गया,
अच्छा जी पैरों से आ गया बेसिकली, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है ना वो ग्रीवी है, जैसे रावण था ना, हिरण्यकश्यप था ना, वैसे ही हम लोग भी है, ठीक है। तो असुर और सुर जो होता है ना उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, डीमंस और डिवोटी में, डीमन और क्या बोलते हैं उसको देवताओं में और दानवों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। उनके ऐसा नहीं है कि दानवों के सर पे सींग होती है, उनके दो बड़े दांत होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, या देवताओं के सर पे मुकुट होगा, ऐसा नहीं होता, इसे टीवी में दिखाते हैं, ठीक है। क्या है, शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु भक्त है ना वो देवता है, ऐसा शास्त्र का प्रमाण है, राइट। और जो बाकी जो लोग है ना उनको असुर बोलते हैं, ठीक है। यदि आप विष्णु भक्त नहीं हो तो आप असुर हो, ऐसा शास्त्र कहता है। ठंडा हो रहा है क्या, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं ना, मुझे लग रहा है, बस थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा हाफ कर दीजिए, तो ठीक है। तो बेसिकली हम बात ये कर रहे थे कि हाँ विष्णु भक्त जो है वो देवता है और उसके अलावा सारे असुर हैं, तो इसलिए यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भगवान की शक्ति मिल जाएगी, राइट, तो आप असुर की कैटेगरी में हो। आपको ये सोचना चाहिए कि रावण में और आप में क्या डिफरेंस है, ये सोचना चाहिए उस बारे में, ठीक है। जब भी कभी ऐसा मन में आए कि हमको लक्ष्मी चाहिए बहुत सारी, राइट, लेकिन नारायण से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहुत कम लोगों के घरों में देखा है नारायण की पूजा होते हुए दिवाली के दिन, राइट, बट लक्ष्मी की पूजा सारे करते हैं। लेकिन सोचना चाहिए कि मतलब यही चाहता था जो आप चाहते हो, पहले ही दिन पता ना, पहले सभी लोग गणेश लक्ष्मी ही दीपावली पे खरीदते थे। हाँ। और स्टोर पे भी वही गणेश लक्ष्मी ही मिलते थे। हाँ। आज भी हमने तो पिछले साल तक यही देखा है, इस बार कुछ अलग है। हाँ, लेकिन जो सभी लोग कर रहे हैं ना वो बेसिकली जरूरी नहीं कि सही हो, राइट। जैसे सभी लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्या इंजीनियरिंग के अलावा कोई और लाइन ही नहीं है क्या दुनिया? तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि ये जो सारा गेम है ना, ये सारा गेम कॉन्शियसनेस का है। अगर हमने होली में प्रहलाद महाराज को याद नहीं किया ना, सोचा नहीं ना कि वो क्या क्या है, क्या मना रहे हैं, राइट। दिवाली में अगर हमने नहीं याद किया सीताराम को, सोचा नहीं कि ये जो बाहर लाइट चल रही है, ये पटाखे फूट रहे हैं, इसके खुशी के लिए फूट रहे हैं, राइट, तो हमने सब कुछ वेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर कुछ बचा ही नहीं, दिवाली में जुआ खेल लो, होली में शराब पियो, यही बचा रहा, सब कुछ नहीं बचा उसके अलावा, तो इसलिए सोचना होगा कि हमारे और रावण में क्या डिफरेंस है, डिफ्रेंशिएट करना की कोशिश करनी पड़ेगी, राइट, इस दिवाली में। सो एनीवेज, सो बेसिकली पॉइंट ये है कि भक्ति जो है वो धोखा देकर मिलने नहीं वाली, ये एक लर्निंग है, राइट। हम आगे चलते हैं, आई डोंट नो मैं खत्म कर पाऊंगा ये सेशन या नहीं, बट नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, राइट, एक स्वर्ण मृग आया है ना, और वो कौन था, मारीच था, मारीच जो था वो रावण का मामा था, राइट, और वो जो था वो बेसिकली स्वर्ण मृग बन के आ गया वहां पे। और जो सीता देवी बेसिकली, अगर हम ऐसे तो भगवान की शक्ति है तो, लेकिन अगर आप उनको उनको जीव की तरह देखो, ओके, एज अ नॉर्मल सोल अगर आप देखो, तो हुआ क्या कि वो ना अट्रैक्ट हो गई उस फियर से, और अट्रैक्ट होने के कारण क्या हुआ, उनको रावण घर के ले गया और उनको बहुत सारा दुख उठाना पड़ा उसके कारण, करेक्ट। सो बेसिकली उस समय उनको बताया भी गया था कि आप यू नो ये रियल नहीं होगा, ये कुछ होगा, क्योंकि उन्होंने इस पे इल्यूजन हो गई। जैसे हम लोगों के साथ क्या हुआ ना, हम लोगों के साथ क्या होता है ना कि बेसिकली हम लोग भी जैसे स्पाइडर होता है, स्पाइडर को ना अपना वेब जो होता है वो किसी इंसेक्ट को ना, किसी कीड़े को बहुत अट्रैक्टिव लगता है वो वेब, और उसके कारण जो कीड़े होते हैं ना वो जाके फंस जाते हैं। और हम लोग भी ना जब आस पास का कुछ देखते हैं ना, कुछ अट्रैक्टिव चीजें, तो हम भी फंस जाते हैं उसमें, राइट। तो सेम चीज जो सीता के साथ हुई थी, वही सारी चीजों में हम भी फंसे रहते हैं, कि हमें कुछ ऐसा गोल्डन डियर जैसा कुछ अट्रैक्टिव चीज दिखाई देता है ना अपनी लाइफ में, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल वीकेंड पे पार्टी करते हैं, पब जाते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज है, तो ऐसा कुछ होता है तो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे, और फिर अल्टीमेटली हम उसमें जाके फंस जाते हैं। तो इसलिए सीखने वाली बात इसमें ये है, पता है क्या है? क्या सीखने वाली बात है कि मारीच जो है ना, मारीच एक्चुअली फॉल्स प्रॉमिसेस है ना, वो सही चीज तो था नहीं, माया मृग था वो, राइट। तो बेसिकली समझना ये चाहिए कि हम लोगों को ना हर चीज को शास्त्र की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि हम माया माया के बारे में सुनते हैं ना, माया का मतलब पता है क्या होता है? माया का मतलब होता है ये मटीरियल वर्ल्ड, ओके, जो भी चीजें पांच चीजों से मिलकर बनी है ना, इनफैक्ट आठ चीजों से,
मतलब जो अर्थ एयर वाटर फायर इधर राइट वो सारा कुछ माया है जो हमें आसपास दिख रहा है। अब इसमें सोचने वाली बात ये भी है कि एक्चुअली हमारी बॉडी भी चीजें नहीं है, इनफैक्ट इसमें तीन चीजें और होती है माइंड इंटेलिजेंस की, वो ये सारा कुछ भी माया है। तो हम माया को कोई सोचता है ना कि माया कहाँ पर है, तो नहीं आप पूरा माया से ही बने हुए हो और ये सारा कुछ भी माया का है। तो अगर ये सारा कुछ इतना मुश्किल है समझ में आना कि क्या सही और क्या गलत, तो फिर एक ही तरीका है इसके बारे में समझने का और वो है शास्त्र और गुरु। इसके अलावा सच और गलत समझने का कोई और तरीका है ही नहीं। तो अगर ऐसा है तो हम लोगों को ना शास्त्र को हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से दुनिया देखने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अपने माइंड के हिसाब से, क्योंकि वो जो माइंड है ना वो भी माया का बना हुआ है, ठीक है, इंटेलिजेंस भी माया का बना हुआ है। तो इसलिए शास्त्र और गुरु के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं सच समझने का, अदरवाइज आप हमेशा विभिन्न ना होंगे। Does it make sense? ये बहुत अच्छी बात होगी। नो, दे आपको अंडरस्टैंड कि वो जो ब्यूटीफुल थिंग देख रहे हैं ना वो भगवान की क्रिएशन है, ठीक है, और हम क्या भगवान की क्रिएशन है ऐसा सोच पाते हैं या ये मुझे चाहिए ऐसा सोचते हैं, राइट, वो सोचना पड़ेगा। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि रावण से डिफरेंशिएशन सोचना पड़ेगा आपको कि क्या मैं रावण से डिफरेंट हूँ। रावण को भगवान की शक्ति चाहिए थी, है ना, भगवान को शक्तिमान, उसको भगवान से कोई मतलब नहीं था, राइट। इसी तरह क्या मुझे भगवान की जो सारी जो दुनिया है वो भगवान की शक्ति है, क्या मुझे शक्ति में इंटरेस्ट है या शक्तिमान में इंटरेस्ट है, राइट। अगर एक ब्यूटीफुल चीज दिखती है तो ये सोचना चाहिए कि अरे भगवान ने बनाई, कितना अमेजिंग क्रिएशन भगवान का, ऐसे भगवान को क्या ग्लोरीफाई करते हैं, कभी सोचते हैं ऐसा, राइट, दैट डजंट कम टू आवर माइंड, राइट। रावण के मन में भी नहीं आया था सच, सो दैट इज व्हाट द माइंड इज, राइट। ओके, कुछ हैवी हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया, कुछ और बात करें, ऐसा नहीं ना, ठीक है ना, सो फार सो गुड। ओके, तो उसके एक भक्त हैं गोविंद राजगुरु करके, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं साउथ इंडिया के, तो वो बोलते हैं कि बेसिकली वो यही बताते हैं जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, कि मतलब अगर अगर सीता जी को जीव समझो ना तो माया में फंस गई थी आगे, राइट। और इसी तरह हमें भी सोचना होगा कि माया से कैसे बच के रहे, राइट। माया कोई बहुत अलग अनोखी चीज नहीं है, चारों तरफ जो भी दिख रहा है ना तो सारा कुछ माया है। मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ दो ही चीजें यहाँ पर सोच समझने वाली है, दो ही चीज जो है शाश्वत है, एक तो जो है जीव जो आपके आसपास दिख रहे हैं आपको दिखने वाली चीजों में, और दूसरे यहाँ भगवान का नाम। इसके अलावा सारा कुछ माया है, एवरीथिंग इज फेक, राइट, मैट्रिक्स देखिए ना सबने, राइट, ऐसे सोचना चाहिए। सिर्फ सिर्फ जीव और माया और भगवान के नाम, ऐसे दो ही चीजें, राइट, राम नाम सत्य है तो वही बस सत्य है और कुछ है नहीं इसके अलावा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद रावण जो था वो सीता जी के पास पहुंचा, राइट, एक साधु के भेष में पहुंच गया वहां पे, और साधु के भेष में जाके वो क्या बोला कि मतलब आप बाहर आ जाओ, है ना। तो सीता जी बड़ी ईगर थी क्योंकि सीता जी को क्या था ना कि जो पुण्य आत्माएं होती है ना, मतलब अच्छे लोग, पायस लोग होते हैं, अच्छे साधु वगैरह वृद्ध लोगों का हेल्प करना उनको बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। जैसे राधा रानी का अगर आप पता करोगे तो क्वालिटी होती है, इसको वृद्ध सेविका बोलते हैं। वृद्ध सेविका मतलब जो बेसिकली साधु होते हैं या वृद्ध लोग होते हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। वैसे ही इच्छा सीता जी के मन में थी, ठीक है, क्योंकि सेम तत्व है, तो उनको उस तरह से लोगों की सेवा करना अच्छा लगता। और हुआ यह कि रावण ने उसी कमजोरी का फायदा उठाया, ठीक है, उसने क्या किया, उसने बुलाया कि नहीं आप बाहर आओ, राइट, और बाहर आके मुझे रक्षा दो, और वो सीता जी चले गए, राइट। दिस व्हाट हैज हैपेंड, क्या सीखने को मिलता है इसमें, सीता जी अपने प्रति ऐसे थे, उनका भाव ऐसा था कि वो उन्होंने डेंजर भी क्रॉस कर लिया उससे,
तुमने अपने बारे में नहीं सोचा ओके अच्छा वो हमारी स्ट्रेंथ को भी हमारी वीकनेस बना सकती है ठीक है जो हमको अपनी स्ट्रेंथ लगती है ना उसको भी वीकनेस बनाना पॉसिबल है माया को ठीक है ऐसा पॉसिबल है जो आपको लगता है ना कि नहीं नहीं इस ये चीज को मैं हैंडल कर जाऊंगा ठीक है वहां पर ही गिर जाओगे जैसे आपको लगता है ना कि अरे ठीक है यहाँ भक्तों का संग है कुछ नहीं होता मैं कहीं और चले जाऊंगा और मतलब वहां पर भी रह लूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब तो मुझे सब समझ में आ गया है ये सब कुछ भगवान का नाम लेना है शास्त्र पढ़ना है और मैं सर्वाइव कर लूंगा ऐसा अगर आपको लग गया ना आपको कोई भी चीज अपनी स्ट्रेंथ लग गई ना तो मैं उसी जगह पर जाके आपको प्रोटेक्ट करूँ ऐसा सोचना चाहिए ऐसा समझना चाहिए ठीक है क्योंकि रावण ने उसी सीता जी के उस एटीट्यूड को जो बेसिकली था उसने ही पसार किया मतलब रामायण में आता है कि बेसिकली रामायण नहीं आता है आचार्य बताते हैं कि अगर सीता जी को फिर से जीव की तरह देखा जाए तो जो 10 सिर वाला रावण था ना वो हमारे 10 सेंसेस की तरह है जैसे 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं 10 टोटल सेंसेस होते हैं तो 10 सेंसेस की तरह 10 सिर वाला रावण था ओके और वो क्या किया उसने उस 10 सिर वाले रावण ने उनको पकड़ लिया और पकड़ के कहां लेके गया लंका में जो कि माया ने गिरी ठीक है राइट और वहां पर जाके बंद कर दिया इसी तरह जो जीव है ना जब जीव जब यहाँ पर आता है इस संसार में तो इसी 10 सेंसेस में फंस जाता है राइट और 10 सेंसेस में फंस के इस माया में बंदी बन के रहता है ओके ऐसे आचार्य बताते हैं कुछ राइट सो बेसिकली यहाँ पर वो सिर्फ सफर कर रहा होता है दुख पा रहा होता है ना उसी जगह पे हनुमान जो है ना हनुमान जो है वो गुरु की तरह है जैसे गुरु होता है ना गुरु आके आपको भगवान के बारे में बताता है राइट तो उसी तरह से हम तो उसी तरह से जो है उसी तरह से हनुमान जी ने आके उनको क्या किया राम के बारे में बताया राइट तो उनको याद दिलाया राम के बारे में कि राम आएंगे आप चिंता नहीं करो राइट इसी तरह से तो गुरु है ना वो आपको भगवान के बारे में बताता है इसी तरह लक्ष्मण जो है लक्ष्मण जी जो है वो आदि गुरु है राइट तो लक्ष्मण ने भी क्या किया था लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी थी और उस रेखा के बाहर मत जाना बोला था लेकिन क्या हुआ सीता जी अपने टेम्पटेशन में अपने जो उनको लगता था कि ये अच्छा काम है करने के लिए उसके लिए वो क्रॉस कर गई राइट तो जब ऐसा हो गया तो फिर क्या हुआ सीता जी फंस गई जैसे आचार्यों ने हमें बताया है ना कि 4 नियम है इस रेखा को मत क्रॉस कर दो राइट क्या क्या है वो No meeting, no illicit sex, no gambling, no intoxication, right? अगर उस रेखा को नहीं क्रॉस करोगे तो माया में नहीं फंसोगे ऐसा आचार्य ने बताया अगर हमने अपने टेम्पटेशन में उसको क्रॉस कर लिया और फिर फंस गए तो फिर फंस गए राइट मैंने बताया ना कि शास्त्र और गुरु के अलावा कोई और तरीका नहीं है यहाँ पे सच बताने के बात को पक्का मन में बिठा लेना चाहिए सो बेसिकली इसे और ये ना हम लोगों के साथ भी ऐसी चीजें होती हैं जैसे बताया नहीं बहुत सारी चीजों को हम अपना स्ट्रेंथ समझते हैं ठीक है बट लगता है कि इसके इसमें डरने की कोई बात नहीं राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ने बोला कि कुछ नहीं होता चलो पब में चलते हैं आपने बोला नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता वो बोलेंगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं आप कोल्ड ड्रिंक पी लेना राइट है ना फिर वो कोल्ड ड्रिंक धीरे धीरे मैंगो जूस से थम्सअप बन जाएगा फिर थम्सअप से बोलेंगे कि अरे बियर बियर शराब थोड़ी है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें राइट और फिर उसके बाद बोलेंगे कि नहीं नहीं अरे एक पैक तो चलता है आज तो खुशी का लेना राइट तो जो भी आपको लगता है ना कि आपकी स्ट्रेंथ है कि नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं जा सकता हूँ लोगों के साथ उसी चीज में जाके आप फंस जाओगे राइट जैसे भरत महाराज फंस गए थे भरत महाराज की कहानी हमने अपने देखा हुआ और स्ट्रेंथ में बात नहीं की है हम बात करेंगे बट भरत महाराज श्रीमद् भागवतम में एक आता है कि वो जो राजा थे उनको क्या हुआ वो सब कुछ छोड़ के जंगल में ऋषि बनने चले गए थे राइट एक साधु बन गए थे और जब ऐसा हो गया था तो वो क्या हुआ उनका क्योंकि वो क्षत्रिय थे तो उनका जो एक अच्छा क्वालिटी था वो क्या था जीवों पे दया करना ओके तो उस जीवों पे दया करने का जो जो आदत था ना उसमें एक हिरण को उठा लाए वो है ना हिरण के बच्चे को और फिर उसमें फंस गए उस हिरण की इतना ध्यान रखना शुरू किया उन्होंने कि वो अपना साधना भी भूल गए और फिर अल्टीमेटली
ऐसे करते करते मर गए और अगला जन्म उनको हिरण का मिला, राइट। तो केवल मरते मरते भी हिरण के बारे में ही सोच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्चुअली ये हुआ कि उनका जो स्ट्रेंथ था कंपैशन, राइट, उसी स्ट्रेंथ को माया ने उनका वीकनेस बना दिया, ठीक है। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए इस दुनिया में। हम सारे अटैक है माता जी, यहाँ जो भी बैठा हुआ है ना, वो सारे तो पहले से ही कैप्चर लोग हैं, हम लोग सब माया में फंसे हुए लोग हैं। नहीं देखिए, आप खुद सोचिए ना कि मतलब आप जब भी कोई चीज को, इसमें पता करने का कुछ भी नहीं है माता जी, मतलब अगर आपको आपको कोई चीज पसंद है ना तो आपको करोगे, राइट, और फिर उसमें फंस जाओगे। यहाँ पर अगर गुरु के बताए हुए, शास्त्रों के बताए हुए चीज के अलावा कुछ भी कर रहे हैं ना, जिस भी चीज को आप भगवान से जोड़ के नहीं देख पा रहे हो ना, वो सारा कुछ माया है, ओके। अगर आप उसी चीज का भगवान से कनेक्शन देख पा रहे हो ना, तो बस वही माया नहीं है, इतना समझना चाहिए, सिंपल सी बात। जहाँ भगवान से कनेक्शन नहीं है ना, वो सब कुछ माया है, तो सारे कैप्चर लोग हैं। सो बेसिकली या सो एसेंशियली व्हाट वी लर्न इज दैट कि मतलब हमारी स्ट्रेंथ को भी वीकनेस बना देती है माया, और फिर हम फंस जाते हैं, और हमारे इधर हमें इंस्ट्रक्शंस से दूर हो जाते हैं हम इसके कारण, क्योंकि अभी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन फिर लगेगा कि नहीं क्यों ना मैं कुछ अच्छा काम करूँ, एनजीओ ज्वाइन करूँ, फिर नॉनवेज खाने में क्या प्रॉब्लम है, राइट। मतलब मैं लोगों का भलाई तो कर रहा हूँ, मतलब बाकी को, राइट। आप देखोगे ना कि दिवाली के टाइम सबको कुत्तों की याद आती है, राइट, कितने डॉग्स हैं, वो डॉग्स को आवाज सुनाई देगी, वो सारे डॉग्स कितने परेशान हो जाएंगे, राइट। अभी बीबीसी इंडिया में एक वो आया था आर्टिकल, और वो बोल रहे थे कि अब तो क्यों डॉग वाली बात पुरानी हो गई ना, तो अभी नया आर्टिकल आया था, उसमें लिखा था कि घर की सफाई में ना जो स्त्रियां होती है ना, जो वुमेन्स होती है, उनको कितना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सारी सफाई का प्रॉब्लम उनके सर पे डाल दिया जाता है दिवाली के टाइम। सो ये वुमेन्स पे अत्याचार है इसके लिए दिवाली के समय, ऐसा आर्टिकल आया था, ठीक है ना। सो अभी कोई अलग एंगल से अटैक कर रहा है ना। सो पॉइंट ये है कि शास्त्र के अलावा कहीं भी इधर उधर दिमाग लगाने से ना फंसने का पूरा पूरा चांस है, ठीक है। That's what we have to understand. Okay, anyways, आगे चलते हैं। So, हाँ, इसके बारे में हमने लास्ट वीक बात की थी भगवत गीता क्लास में, मैं फिर से बात कर सकता हूँ, इतना अच्छा इंसिडेंट है कि आई कैन टॉक अबाउट इट, बस कुछ लोग हैं जो नहीं थे उस क्लास में। सो हम ये बात कर रहे थे कि जो मारीच था ना, मारीच था रावण का मामा, ओके, और उसको जब रावण ने बुला के बोला कि आप जाओ और जाके मृग बनो, तो पता है क्या हुआ, मारीच ने पहले तो रावण को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि रावण वापस चला गया, उसको बोला ऐसा समय मत पढ़ो, ये गलत है, देखो जो भी आपको ये एडवाइस दे रहा है ना वो बहुत आपका दुश्मन है, इसलिए उसकी बात मत मानो। तो वो वापस चला गया रावण। फिर उसके बाद रावण को फिर गया शूर्पनखा के पास, शूर्पनखा ने बोला ये सब मत पढ़ो, ये सब चक्करों में जाके करो, और फिर उसने शूर्पनखा ने क्या किया, उसने उसको बहुत तारीफ की सीता की, ठीक है, क्योंकि उसको पता था रावण की वीकनेस क्या है, उसको बहुत सारी वुमेन्स चाहिए थी, उसने बताया कि अरे बहुत ब्यूटीफुल है सीता और सीता को लेके आओ, ये सब सुन के रावण चला गया फिर से, और बोला मारीच को कि देखो अगर नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो मारीच ने क्या सोचा कि अरे यार ये मारेगा अगर रावण, उसको पता था उसका, सोचो उसका रिश्तेदार है, उसको मालूम था कि कितना बुरा आदमी है, उसने सोचा कि इसके हाथ से मर के तो नर्क में जाना है, उससे अच्छा राम के हाथ से मरूंगा तो मैं वैकुंठ भी जा सकता हूँ, लिबरेट हो जाऊंगा, एटलीस्ट वैकुंठ नहीं गया तो नहीं गया, कम से कम मुक्त तो हो जाऊंगा, उसने ऐसा सोचा। तो वो गया, राइट, और उसने गया और उसके बाद की कहानी आपको पता ही है ना, वो मृग बन के गया, उसके बाद तीर चलाया गया, राइट, उसके ऊपर। तो सुनने में लेकिन ऐसा लगता है ना कि बहुत अच्छा आदमी था मारीच, मतलब भगवान के हाथ से मरना चाहता था कम से कम, है ना, कि मतलब रावण के हाथ से तो नहीं मरूंगा। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि वो मारीच जो था ना, वो रावण का ही आदमी था, ये बात समझना होगा, मतलब वो रावण की साइड से ही काम कर रहा था। कैसे पता चलता है, क्योंकि जब उसको तीर लगा ना तो उसने के सीते हे लक्ष्मण ऐसे चिल्लाना शुरू किया, राइट, जिससे कि सबको लगा कि अरे देखो ये राम को शायद कुछ लग गया है, इसलिए सीता और लक्ष्मण को बुला रहे, राइट। तो वो रावण की ही साइड में था, उसको राम से कोई मतलब नहीं था, उसका इंटरेस्ट बस ये था कि ठीक है मर के कुछ तो भला हो जाएगा, राइट। उसी जगह जटायु, राइट, जटायु जो था ना वो 60,000 ईयर्स का था उस समय, 7,000 साल का था उस समय, ठीक है, और बैठा हुआ था और ऊपर जा रहे थे ये सब लोग रावण और सीता को पकड़ के लेके जा रहा था। तो उससे जटायु ने ये सब नहीं सोचा,
कि रावण के हाथ से मरूंगा तो क्या होगा, राइट। उसने जाके क्या किया, इतना उसने क्या किया, उसने रावण का वो जो कवच होता है ना उसको तोड़ दिया, काट दिया, और रावण के जो रथ था उसका एक म्यूल था उसमें, ठीक है, उसको मार दिया, ऐसे भी करते हैं, ठीक है। तो अब रावण पहले तो उसको बुला किया, अरे जाओ जाओ, मैं कभी ना, उसको लगा है बूढ़ा आदमी, बूढ़ा सा ये है, गिद्ध है, इसको भगा देते हैं। लेकिन जब उसने मार दिया तो उसने एक पैर, उसका एक पंख काट दिया, ठीक है, और वो एक पंख काटने के बाद जटायु गिर गया जमीन में। फिर उसको आवाज सुनाई दी, फिर वो उठा, फिर एक हाथ से एक पंख से वो ऐसे उड़ते उड़ते गया, और फिर उसने रावण को 5-7 थप्पड़ मारे उसे एक पंख से, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, रावण ने उसका दूसरा पंख भी काट दिया, ठीक है, और उसका पूरा ब्लडी मेस हो गया, मतलब तो बुरी तरह से लहू लुहान वो जमीन पर पड़ा हुआ था उस समय जब राम और लक्ष्मण पहुंचे वहां पर। तो राम ने मतलब ना क्या बोला, राम ने उसको बोला, उसकी देख के हालत, उसको बोला कि आज शाम को ही तुम वैकुंठ जाओगे, आई गिव यू माय वर्ड, ठीक है। और उसको उसका अंतिम संस्कार भी राम ने किया, ठीक है। तो सोचना ये चाहिए कि मतलब एक था जो राम के हाथ से मर के बाहर जाना चाहता था, और एक था जो रावण के हाथ से मरने को भी तैयार था, लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या था कि सेवा करके मरूंगा, भगवान की सेवा करके मरूंगा, राइट। जो भक्ति है ना वो भगवान के अनुकूल काम करने को भक्ति बोलते हैं, ठीक है। जैसे कृष्ण के बारे में तो कंस भी बहुत सोचता था, दिन रात सोचता रहता था, है ना, हम जितना सोच सकते हैं उससे ज्यादा सोचता था, लेकिन उससे वो भक्त नहीं बन गया, राइट। इसी तरह मरीच मर के क्या होगा उसका पता नहीं, लेकिन जटायु तो डेफिनेटली वैकुंठ गया, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। तो जो रियल सक्सेस है ना वो भगवान की सेवा करने में, ना कि अपने बारे में सोच के, राइट। जैसे हम पहले भी बता रहे थे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए सोचना चाहिए, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए। यही चीज है जो रावण से हमको डिफ्रेंशिएट कर सकती है, राइट, गर्म करना चाहते हैं। सो इफेक्ट आप सोचो, इसे एक और चीज सीखने को मिलती है, पता है कि ना जटायु फेल हो गया सीता जी को रोकने, उसके बाद भी उसको वैकुंठ मिल गया। आपने कभी ऐसा देखा है किसी स्कूल में एग्जाम में, कि मतलब सारे एग्जाम में से एक टेस्ट में आप फेल हो गए और टीचर बोले कि अरे नहीं, इज अ गुड बॉय, इसको पास कर देते हैं क्योंकि ये अच्छा आदमी है, राइट। बट स्पिरिचुअल लाइफ में ना वो फेल होके भी वैकुंठ चला गया, दैट इज अमेजिंग पार्ट, राइट। तो सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में होता है, मटेरियल उसमें कहीं नहीं होता ऐसा कि आपको फेल होके भी आपको नेक्स्ट लेवल मिल जाएगा। तो इसलिए भगवान की सेवा के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है, ये सोचना कि सक्सेस होगा या फेलियर होगा ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, राइट। क्योंकि इस एंडेवर में ना कोई भी फेल नहीं होता, जैसा भगवत गीता कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट, कोई भी लॉस नहीं है इस एंडेवर में। हाँ देखिए, टेस्ट वगैरह के लिए नहीं करते, ठीक है, वो लोग ना प्यार के लिए करते हैं। हम लास्ट टाइम भगवत गीता में एक बात कर रहे थे, राइट, तो जो भक्त होता है ना भगवान के प्यार के लिए कुछ करता है, ये सब नहीं सोचता, है ना। उसी इसी लाइन के ऊपर ये स्टोरी मैंने सुनाई जब हम ये डिस्कस कर रहे थे, राइट, लास्ट वीक। सो उसको कोई मतलब नहीं होता है इन चीजों से, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, इट डजंट मैटर, राइट, फॉर द सेक ऑफ लव ही डज इट। ऐसा तुलसी रामायण में एक लाइन आती है, पता है, उसमें लाइन में कुछ ऐसा है, भजाऊ राम बिनु हेतु सनेही, ठीक है, उसका मतलब है कि राम की जो भजन है ना वो किसी पर्पस के लिए नहीं करो, बट सिर्फ लव के लिए करो। दिस इज व्हाट इट सेज, अमेजिंग लाइन, राइट, यू नो, दिस इज व्हाट वी शुड थिंक अबाउट, कि लव के लिए कैसे कर सकते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। हाँ, कुछ काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग समथिंग, आई एम रीडिंग अ बुक, तो नाउ इट इज नॉट पॉसिबल दैट आई कैन रिमेम्बर कृष्णा एट दैट टाइम आल्सो। तो हाउ, अगर आप श्रीमद्भागवतम में देखोगे ना तो वहाँ पे कई जगह लिखा हुआ है कि जो भी इस बात को, इस कथा को सुबह शाम सुनेगा उसका उद्धार हो जाएगा, राइट। क्यों लिखा है ऐसा, पता है, उनको पता है कि सारे दिन नहीं सुन सकते हो, राइट, लेकिन सुबह शाम करो। इसीलिए प्रभुपाद ने ये मॉर्निंग प्रोग्राम और ये सारी चीजें बनाई है,
कि सुबह भगवान का नाम करो, राइट, मंगल आरती करो, ताकि आप अच्छे उसके साथ कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ सको। ठीक है, आइडियल यस, अगर पॉसिबल है तो हमेशा वो करना चाहिए, अदरवाइज ये सोचना चाहिए कि जो मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ ना वो भगवान की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि जो पढ़ाई है ना ये करके मुझे एक अच्छी जॉब लगा के भगवान की सेवा करनी है, राइट। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और मैंने लोगों को बोला कि भगवत गीता पढ़ूं तो उसका कितना इफेक्ट होगा, राइट। अगर मैं आईएएस बन गया तो मैं अपने पूरे शहर में लोगों को बोल सकता हूँ कि भगवत गीता सारे स्कूल में पढ़ाई जाए, इसलिए सोचना चाहिए कि मैं बड़ा आदमी बन गया तो ज्यादा बड़ी सेवा कर पाऊंगा, राइट। तो अगर ये सोच के हम पढ़ाई करेंगे ना तो वो पढ़ाई भी हमारी साधना ही होगी, मेक सेंस, राइट। ओके, बहुत हैप्पी हो गया, बहुत ज्यादा हो गया ऐसा लग रहा है, अभी हम हाफ वे की नहीं है एक्चुअली, वन सीरीज की नहीं, बहुत बहुत सारा बता रहे। इनफैक्ट आई कैन टेल यू वन थिंग कि मतलब हमारा ना एक और फेस्टिवल आने वाला है अभी, और जो वेडनेसडे को है, वीक डे पे है, उस दिन क्या है, गोवर्धन पूजा, राइट। तो हम यहाँ पर गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करने वाले हैं एसीएल में, ओके। तो वहाँ पर भी एवरीबडी इज इन्वाइटेड, राइट, और इट इज अज्यूम दैट विल बी देयर, और बेसिकली वहाँ पर हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, अगर आज हम नहीं खत्म कर पाए तो हम वहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे, आई हैव नो आइडिया अदरवाइज, ठीक है, और क्या कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो उसके बाद क्या होगा कि एक शबरी नाम की एक बोल दी, राइट। मतलब शबरी जो है ना वो जब 8-10 साल की थी ना तो जहाँ रहती थी ना वहाँ पर बहुत सारे साधु रहा करते थे, ठीक है। तो वो हर साधु के पास जाके बोलती थी कि मुझे ज्ञान दो, मतलब मुझे सिखाओ कुछ, राइट। उनमें से एक ऋषि थे माता के ऋषि करके, तो माता के ऋषि ने बोला कि मैं आपको ज्ञान दूंगा, ठीक है, और मैं आपको अपनी शिष्या बनाऊंगा। तो उन्होंने उनको अपना डिसाइपल बनाया और उनको नॉलेज दिया, ठीक है। और उसके बाद जब ये सब जाने लगे वहां से उस एरिया से सारे ऋषि, तो उन्होंने शबरी को ब्लेस किया, उसको आशीर्वाद दिया, बोला कि आप जो है ना आपको राम मिलेंगे, ओके, तो आप उसके लिए वो करके रखना, तैयार करके रखना, ठीक है, उसकी सेवा करने के लिए। तो शबरी क्या करती थी, उतनी छोटी उम्र से रोज घर को सजाती थी, साफ करती थी, फ्लावर डालती थी उसमें, राइट, और एंथुसियास्टिकली ये सारा कुछ करती थी, पेशेंस के साथ सब कुछ करती थी, राइट। और वो डिटरमाइंड थी कि बोला है ना तो आएंगे चाहे जो भी हो जाए, राइट। रोज फ्रूट्स ला के रखती थी, रोज सब कुछ अच्छे अच्छे फ्रूट्स रखती थी। इतने साल के बाद जब वो बहुत ओल्ड हो गई, उस समय एक बार रामचंद्र जी आए वहां पे, राइट। तो क्या सीखने को मिलता है इस बात से, ओके, और क्या, पेशेंस रखना चाहिए, ओके, व्हाट एल्स, हाँ, तो क्या बोलूँ इसको, डिवोशन से इट मेक्स द गॉड डाइजेस्ट द सेम मेडिटेशन शी शोइंग, ओके, शी इज एबल टू अचीव, ओके, डिवोशन, डेडिकेशन से या डिवोशन से, दो अलग चीज है, वैसे व्हाट एल्स, हाउ डू कंसिस्टेंसी चाहिए, ओके, अच्छा जी, ओके, भगवान की ओके, जो चाहता है भगवान को उसको कोई टाइम लाइन से लेना देना नहीं, राइट, हाँ, ओके, या आपको मतलब सेटिस्फाई करे या ना करे, आपके कंफर्ट लेवल तक को भी अफेक्ट करे या ना करे, बस उसे अपने चित के साथ एक कर लो, मतलब कितना भी साल आपको लगे कि, अब जैसे प्रभुपाद ने भी किया था, 70 इयर्स की प्रभुपाद की स्ट्रगल थी, तब जाकर प्रभुपाद ने इतना बड़ा सोसाइटी बनाया। तो मतलब हमें अपनी गुरु की बात हमेशा बस अपने दिल में रखनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। श्वास के साथ ये भी है कि मतलब कि अगर हम जैसे ये तो हम लोग जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सोचे कि हम भगवान मतलब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन अंत समय में भगवान खुद आएंगे। एक चीज मिसिंग है बेसिकली ना, अगर हम लोगों को ऐसा कोई बोले ना, गुरु बोल भी देंगे ना कि ऐसा करो, राइट, तो आप एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 50, 30 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, राइट, उसके बाद सब धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले मैं पूरा का पूरा घर फ्लावर से सजाते थे, फिर ऐसा लगेगा कि ठीक है चलो एक फ्लावर रख दिया बहुत है ना, मतलब फिर लगेगा कल का एक फ्लावर रखा तो होगा, अभी तो कल भी नहीं आए थे, आज भी आएंगे, है ना,
और फिर फ्रूट्स भी आप रख दोगे ठीक है, जब सड़ जाएंगे तो नए लाने गए। छपरी रोज लेके आती थी और रोज जाती थी फेथ इज देयर, बट फेथ अगर आप ना आपको 10 साल में कोई बोलेगा और आप 70 साल तक करते रहोगे इस काम को तो क्या क्या होगा सोचो आप, है ना, अपने आप पे रख के देखो फेथ रख पाओगे आप, राइट। सो बेसिकली ना रूप गोस्वामी जो एक आचार्य है हमारे, वो बोलते हैं, वो एक श्लोक बोलते हैं, बोलते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन संग त्याग शतोवृत्ति क्षण भेद भक्ति प्रसिद्धि। तो बोलते हैं कि छह चीजें हैं और मैं सारी छह नहीं बताऊंगा, पर छह चीजें हैं जो अगर आप फॉलो करते हो ना तो फिर आपकी भक्ति में फटाफट प्रोग्रेस होगा, ठीक है। जो पहली तीन चीजें वो बोलते हैं इंपॉर्टेंट बात, वो बोलते हैं उत्साह निश्चय धैर्य, यानी कि उत्साह होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, निश्चय राइट, यू नो कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और धैर्य यानी कि पेशेंस होना चाहिए, राइट। तो शबरी जो है ना ये तीनों की तीनों चीजें एक साथ डेमोन्स्ट्रेट कर रही, है ना, तीनों चीजें दिखाई दे रही कि उत्साह के साथ रोज 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 सजाती थी अपने घर को, रोज फ्रूट्स ला के रखती थी, राइट। निश्चय था उसको कि मतलब भगवान आएंगे, और धैर्य दिखा इस बात पे, राइट। और ये तीनों चीजें अगर नहीं होती ना, क्योंकि हम लोगों के साथ होता है कि हमने इतना कर लिया, अब तो एक साल हो गया हमको ये सब भक्ति में आके, अब तो इतना माला भी कर लिया, सब कुछ हो गया, अब क्या मतलब, अब तो मुझे भगवान के दर्शन हो ही जाने चाहिए, राइट, या मतलब कब मैं वैकुंठ जाऊंगा, मतलब हो गया, मतलब साल भर से कहीं अंदर करना, राइट, ऐसा लग सकता है आपको, मैसेज बता रहा हूँ, राइट। और उत्साह भी ना शुरू शुरू में बहुत उत्साह होता है, यस, जब क्या एक बोलते हैं नया नया मुल्ला कुछ कर लिया थोड़ा बहुत, बट बाकी भी तो जिंदगी है और भी तो सीखने करने को लाइफ में, तो शब्द भी ऐसा कुछ सोच सकती थी इजीली, राइट। लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर भक्ति में आगे जाना है ना, तो ये तीन चीजें उत्साह निश्चय और धैर्य होना बहुत जरूरी है गुरु के, और ये तभी संभव है जब इस चीजों को ना सच समझेंगे गुरु और शास्त्र को ना सही में समझेंगे कि इसके अलावा और कुछ सच है ही नहीं। अगर बोला ना शास्त्र में कि ऐसा करना इससे ऐसा होगा, देन यू हैव टू हैव फेथ इन इट, राइट। क्योंकि हम लोग इन लोगों को बहुत स्पेशल समझ लेते हैं शब्द वगैरह को, लेकिन ऐसा सबके लिए पॉसिबल है, ओके, अगर हमने शास्त्र के हिसाब से फॉलो किया तो, गुरु की बातों को ध्यान दिया तो, इतना ध्यान देते नहीं है, राइट, हम इतना सीरियसली नहीं लेते बात को, ये सब तो ठीक है जो बोल रहे हैं ओके, बट बाकी उसका भी लोग करना है ना, सोचना भी तो है, बाजू वाले लोग लक्ष्मी गणेश ला रहे हैं तो मुझे भी तो लाना ही है ना, मतलब राइट, हमारे घर में कैसे नहीं तो लक्ष्मी आएगी, ऐसे भी तो सोचना चाहिए ना, राइट। तो कोई और तो नहीं करता नारायण की पूजा, तो मैं तो करूँ, मतलब तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट मेरा पॉइंट ये है कि वो सब तो ठीक है, बट ऐसे चीजें जब जब बट आ जाता है ना तो सब लोगों की सारा कुछ गड़बड़ हो गया, तो इस बट को थोड़ा दूर रखना चाहिए। उसको ऐसे सोचना चाहिए कि ये भगवान हमारा टेस्ट ले रहे हैं, और हमारे साथ ना इससे भी बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन भगवान ने ना हमें सिर्फ टोकन रिएक्शन दिया है, ओके, ऐसे सोचना चाहिए और थैंकफुल फील करना चाहिए भगवान की, मतलब मुझे जो हुआ ना तो बहुत ही छोटा हुआ, इससे बहुत ज्यादा होना पॉसिबल था, राइट। और ये जो टेस्ट है ना, अगर इसको क्रॉस किया ना तो ऐसे ही करके मैं स्टडी बनेंगे, जो ये सब डिटर्मिनेशन पेशेंस ये सब हाई वर्ड्स है ना, ये तभी पॉसिबल है जब हम अपनी जो बुरी चीज बुरा सिचुएशन होता है ना उस समय भी स्थिर रह सके, ओके, तभी हम आगे जा सकते हैं, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अदरवाइज ये सारा कुछ थ्योरी है, राइट, इसको प्रैक्टिकल कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो प्रैक्टिकली जीना पड़ेगा इसको, राइट, सिर्फ सुन के घर नहीं जाना है, सो ओके ऑलराइट, ठीक है, हम 10 मिनट और बात करेंगे।
फिर बाकी हम फिर कभी बात करेंगे. तो बेसिकली क्योंकि यानी एंडलेस है मेरा बहुत थोड़ा लंबा ही सेशन है तो लंबा बन गया. तो बेसिकली एंथुसियाज्म डिटरमिनेशन और पेशेंस जो है ना वो भगवान को प्लीज करने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. उसके बिना पॉसिबल नहीं है. बहुत ज्यादा हैवी हो गया क्या बहुत ये सब क्या बातें कर रहे हैं ऐसा कोई सोच रहा है सब ऐसे तो हम बात नहीं करते हैं ऐसा नहीं ना. ठीक है ओके. तो फिर क्या होगा फिर ये हुआ कि सुग्रीव के पास हनुमान जी कैसे पहुंच गया क्या कनेक्शन था सुग्रीव और हनुमान का. हाँ हाँ तो बेसिकली हाँ एग्जैक्टली तो हनुमान जी गए सूर्यदेव के पास कि मुझे अपना शिष्य बना के सिखाओ मतलब मुझे शिक्षा लेनी है. तो सूर्यदेव ने क्या बोला कि मतलब देखो मैं तो हमेशा चलता रहता हूँ मैं कभी रुकता ही नहीं हूँ. तो हनुमान जी ने बोला कि ठीक है मैं आपके साथ साथ चलूंगा और मैं सीखूंगा. ठीक है अमेजिंग डिटर्मिनेशन पर लर्निंग सोचो राइट. तो सूर्यदेव ऐसे रथ चल रहा है और वो उल्टे पैर उनके साथ साथ चलते थे और सुनते जाते थे और सूर्यदेव जो भी रिसाइड करते थे उसको सुनते जाते थे ऐसे करके उन्होंने सीखा. ठीक है मैं कितने लोग तैयार है बताओ अगर मतलब ऐसा है कि गुरु दक्षिणा की जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि सुग्रीव जो है ना वो मेरा बेटा है ओके तो तुम उनके साथ रहो चाहे अच्छे या बुरे सारे समय में. तो हनुमान उनके साथ उनके मंत्री बन के रहने लगे. और फिर जब बाद में जब बहुत बुरा समय आया सुग्रीव का जब उनको जाके पर्वत पे एक रहना पड़ा राइट बाली के कारण तब भी वो उनके साथ रहते थे राइट. तो उससे क्या हुआ कि मतलब बेसिकली उन्होंने भेजा उनको राइट उसके बाद कि मतलब आप जाओ और जाके वहां पे होकर राइट क्या बोलते हैं पता करो कि ये कौन लोग हैं राइट. तो दो बड़ी बड़ी भुजाओं वाले दो लोग राम और लक्ष्मण पहुंचे पर्वत के पास तो इनको लगा कि बाली ने ही भेजा होगा इनको मारने के लिए. तो फिर हनुमान जी क्या किया हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में गए वहां पे और ब्राह्मण के वेश में जाके उन्होंने उनको ट्रिक करके उनसे जानने की कोशिश की कि ये कौन लोग हैं राइट. और फाइनली भगवान तो भगवान है राइट. तो उन्होंने बताया तभी को समझ में आया लेकिन राम को वो बिहेवियर अच्छा नहीं लगा था. अगर आप रामायण में पढ़ोगे ना तो हनुमान का वो बिहेवियर राम को बहुत अच्छा नहीं लगा. उन्होंने चार महीने तक हनुमान से बात भी नहीं की. ओके तो सीखने वाली बात यह है यहाँ पे कि बेसिकली ना हम अपने डिसेप्शन से धोखे से ना भगवान को कभी नहीं पा सकते. पॉसिबल नहीं है ऐसा पाना. ठीक है मतलब धोखा मतलब कैसा धोखा मतलब बहुत सारे धोखे देते हैं हम मतलब. तो मैंने बताया ना कि अरे हमारा समोसा खाने का मन है राइट. बारिश भी हो रही है ठंड भी है तो चलो हम ऐसा करते हैं कि उन्होंने बोला था किसी ने कि अरे भाई अब भोग लगा के खाना चाहिए तो ठीक है जो समोसा बनाएंगे भोग लगाएंगे घंटी बजाएंगे और फिर खा लेंगे राइट. तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब भगवान प्रसाद कन्वर्जन मशीन है तो ऐसा नहीं है राइट. अगर हम भगवान के बारे में सोच के उनके लिए करेंगे तो फिर भगवान एक्सेप्ट भी करेंगे राइट. नहीं तो ऐसा सोचेंगे कि नहीं सिर्फ भोग लगा दिया मतलब घंटी बजा दी तो उससे नहीं होने वाला है. हमने भगवान के लिए बनाया है या धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं भगवान ये सोचना पड़ेगा. इवन हम ऐसा भी सोचते हैं कि अरे इनको क्या पता चलेगा मतलब मैं कितनी माला कर रहा हूँ माला कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. पूछेंगे तो बोल दूंगा कि हाँ माला भी करता हूँ ये सब भी करता हूँ दुनिया में किसी को पता थोड़ी चल पाएगा इसका राइट. बट भगवान सबके हृदय बैठे हैं और उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है चाहे वो आपको बताओ चाहे वो आपको नहीं बताओ है ना राइट. सो धोखा देके भगवान को प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है. हनुमान जी तो भगवान के भक्त थे तो वो तो मतलब उनको तो उस समय पता नहीं था कि भगवान है कि नहीं. वो तो सुग्रीव के कहने को आए थे कि मतलब उनको डाउट था सुग्रीव को राइट. तो फिर इसमें भगवान ने हनुमान जी से 4 महीने तक बात क्यों नहीं की हनुमान जी को तो पता ही नहीं था. देखिए यहाँ पर सब कुछ लीला चल रही है जिसमें बताया गया था कि जैसे शहंशाह में या जंजीर में या कौन कौन सी मूवी जो भी राइट हमारे पर एंथोनी में राइट अमिताभ बच्चन अलग अलग कपड़े पहन के आता है ना. तो वैसे ही भगवान ना अलग अलग अवतार में आते हैं. ठीक है उनका एक पर्पस होता है और वो पर्पस ये होता है कि हम लोग इसको देख के सोचें भगवान को याद करें और उससे कुछ सीखें
राइट, पर्पस ये होता है, ठीक है। तो क्या हम उसको सीख सकते हैं, कुछ उनको याद करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सिर्फ स्टोरी नहीं चल रही है, भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। अगर रावण को मारना होता ना तो उसके हार्ट को उल्टा सीधा कर सकते थे वही बैठे बैठे, राइट। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी उनको, ठीक है। अगर आप भगवान को भगवान समझ रहे हो तो फिर क्यों रामायण हुई, फिर क्या रीजन है रामायण के होने का, कोई रीजन ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब कुछ लीला चल रही है और ड्रामा कोई बात, राइट। दैट्स व्हाट है, ओके। सोचना चाहिए कि कितना प्यार करते हैं भगवान हमको, हमारी प्लेजर के लिए वो ये सब ड्रामा करने के लिए आते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर देवता भी ना प्यार रखने के लिए भी नहीं आते, पता है आपको। अगर आप शास्त्र में पढ़ोगे तो जब देवता भी आते हैं ना इस धरती में तो उनके पैर जमीन में टच नहीं होते, क्योंकि इतनी गंदी जगह है मृत्यु लोग, ठीक है। तो जब भगवान आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आके मिट्टी खाते हैं, मिट्टी में लौटते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सोचना चाहिए कि कितना अमेजिंग लव है। इवन आप उन पर बिलीव करो या ना करो, इट डजंट मैटर, ओके। अनकंडीशनल लव, अन क्या बोलते हैं, कॉजलेस मर्सी, ऐसे प्रोपर लिखते हैं इंग्लिश में, कॉजलेस मर्सी बोलते हैं, राइट। कि कोई रीजन नहीं है, हम जैसे गिरे हुए लोगों को जो भगवान को छोड़ के आ गए हैं उनके लिए अहेतु की कृपा करने के लिए आ जाते हैं, राइट। कोई हेतु नहीं है, कोई रीजन नहीं है, ठीक है, राइट। रीजन ओके, सो आगे चल रहे हैं। बट हाँ, हनुमान उस भगवान के भक्त है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट रामायण क्या बोलती है कि जब हनुमान ने क्या किया, जब उनको सीता को खोजने जा रहे थे ना, तो उस समय हनुमान एक पहाड़ पे चढ़ गए, राइट, और उन्होंने छलांग लगाई, राइट, समुद्र को क्रॉस करने के लिए। जब उन्होंने छलांग लगाई तो ऐसे बोलते हैं रामायण में कि वो भगवान के जैसे तीर निकला हो उनके उनके बाण उनसे धनुष थे, उस तीर की तरह वो सीधा चले गए, ठीक है। तो समझना ही चाहिए कि हम लोग जैसे भगवान एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है ना, बिल्कुल जैसे एक तीर है भगवान के, उसमें वैसे ही हनुमान उनकी सेवा कर रहे थे, राइट। तो समझना ही चाहिए कि हम लोग भगवान के लिए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं उनकी सेवा के लिए। जैसे जो अर्जुन कर रहे थे ना भगवत गीता में, राइट, वो भगवान के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट थे। भगवान बोलते हैं कि निमित्त मात्र बनो, बस और कुछ नहीं चाहिए, राइट, सिर्फ निमित्त। ऐसा नहीं कि भगवान मार नहीं सकते थे उन सारे कौरवों को, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ निमित्त बनना है, राइट, सिर्फ और सिर्फ भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनना है। कि कैसे हम दूसरों को भगवान जो चाहते हैं हमसे करवा देना वो हम कर पाए, राइट। और क्या चाहते हैं वो शास्त्रों में लिखा होगा, भगवत गीता में लिखा होगा और बाकी सारे शास्त्रों में लिखा होगा, राइट। क्या हम भगवान के लिए वो इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं जैसे हनुमान बन रहे, राइट। इस बात से ये सीखनी चाहिए, क्या करें, आगे बढ़े नहीं बढ़े, पर फिर भी हो गया, नींद आ रही है, थक गया, ओवरडोज हो गया। मैं तो पूरी रामायण तरह देखने के मूड में था, मुझे काम कर रहा हूँ कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, तो अब ऐसा अब ये लाइन लिखा है, बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, ऐसा लिखा हुआ है ये सेंटेंस में। तो मतलब मैं वॉक कर रहा हूँ तो मुझे कैसे पता कि भगवान वॉक करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ मतलब बट अगर जिसको अंडरस्टैंडिंग होती है ना उसको पता होता है कि वो वॉक करते टाइम भी भगवान की सेवा करता है। अगर आप ये समझ सको ना कि ये जो बॉडी है ना ये भी भगवान की है, ठीक है, और इसको फिट रखना जो है वो, अगर मैं इसको फिट नहीं रख पाऊंगा तो मैं भगवान की भक्ति कैसे करूंगा, भगवान की सेवा कैसे करूंगा। तो फिर आपका जो वॉक कर रहा है ना वो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो सकती है, राइट, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप कनेक्शन नहीं देख पाते ना तो जिसको कनेक्शन पता है उससे बात करनी चाहिए, बट अगर देख पाते हैं ना तो फिर सोचना नहीं चाहिए, जहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है ना वो काम कर देना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जो है वो काफी एजेड थे, राइट, डेढ़ घंटे मसाज करवाते थे आपने रोज, राइट, कोई बोलेगा अपनी प्लेजर के लिए करवा रहे थे या भगवान की सेवा के लिए करवा रहे थे, राइट। सो कोई नहीं बोल रहा है कि अपनी बॉडी का ध्यान रखो, ठीक है ना, क्योंकि वो बॉडी जो है ना भगवान की सेवा के लिए यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसलिए स्पेसिफिक आंसर दे रहा हूँ, बट जनरली हर चीज का भगवान से कनेक्शन देखना पॉसिबल है, बट ये ना आर्टिफिशियल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कन्विंस होना पड़ेगा, ठीक है, ओके, ऑलराइट, ठीक है, एक बार लर्निंग करेंगे और फिर हम बंद करेंगे, ठीक है।
बाकी हम विटनेस डे को बात करेंगे इसको, ठीक है? ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये सुधा कांड वाला हिस्सा है राइट, जिसमें हनुमान जब गए वहां पर समुद्र में तो उनको कई सारी चीजें दिखाई थी राइट। सबसे पहले तो एक स्वर्ण का पर्वत था, उसका क्या नाम था? उसका उस पर्वत का नाम था मेनका, ठीक है, गोल्डन माउंटेन जो था। तो गोल्डन माउंटेन ना हनुमान की हेल्प के लिए आया और उसने बोला कि बैठ जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, आराम कर लो, ठीक है, अभी भूमि भी क्या जल्दी है, यहाँ से फिर चले जाना थोड़ी देर बाद। लेकिन हनुमान जो थे वो इतना डिटरमाइंड थे इस बात पे ना कि उनको ज्यादा मतलब नहीं था उससे, ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप इतना मेरी सेवा करना चाहते हो तो मैं आपको सब टच कर लेता हूँ और टच करके मैं चला जाता हूँ। तो उन्होंने सिर्फ टच किया हनुमान उसको माउंटेन को और वो चले गए राइट। उसमें सीखने वाली बात ये है कि बेसिकली, और ये हमने पहले भी सीखा है राइट, कि अगर कुछ भी करना चाहते हो, चाहे वो स्पिरिचुअल है चाहे वो मटेरियल है, उसके लिए परसिस्टेंट एंथुसियाज्म होना बहुत जरूरी है राइट। ओके, ठंडे नहीं पड़ सकते थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम ठीक है, अब ठीक है, हर हफ्ते तो ये सब बातें होती हैं, क्या हो गया, एक दो हफ्ते नहीं जाता, क्या प्रॉब्लम है राइट लाइफ में, पता नहीं और भी तो बहुत सारी चीजें करते हैं। अगर ऐसे कुछ सोचना शुरू किया ना तो फिर आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो परसिस्टेंट एंथुसियाज्म होना जरूरी है। Does it make sense? Right? उसके बाद जब वो आगे गए तो उनको क्या मिला, एक राक्षसी मिली, सुरसा राइट। तो सुरसा जो थी वो क्या थी, वो एक स्नेक टाइप की थी। ओके, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि हनुमान ने बोला कि नहीं मैं बिजी हूँ, जाने दो, देखो काम है, परेशान मत करो। तो सुरसा ने बोला कि नहीं नहीं, मेरे मुंह के अंदर जब तक नहीं दे रूंगी तब तक नहीं छोड़ूंगी, ठीक है, खा जाऊंगी टाइप। तो उसने बोला कि जब तक मुंह के अंदर नहीं जाओगे तब तक नहीं छोड़ूंगी। तो हनुमान ने क्या किया, अपना बॉडी को बड़ा करना शुरू किया। ओके, एक योजन, तो फिर सुरसा और भी बड़ी हो गई। फिर हनुमान ने 10 योजन 100 योजन जितने भी बड़े बड़े अपना लेंथ कर लिया और सुरसा और भी बड़ी और बड़ी बड़ी और बड़ी होती गई, ठीक है। फिर हनुमान ने क्या किया, हनुमान ने बहुत छोटे से हो गए सडनली, ठीक है, और बहुत से छोटे हो गए सुरसा के माउथ के अंदर चले गए और फिर वहां से बाहर आ गए। उसने बोला कि देखो मैं माउथ के अंदर का था ना, मैं माउथ के अंदर से होके आ गया, ठीक है, और अब मुझे जाने दो, और सुरसा ने उसको जाने दिया, ठीक है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है, कभी कर लेंगे कभी नहीं कर पाएंगे, पक्का नहीं है। तो एक चीज तो सीखने वाली है ना कि हम लोग अगर ना अपना अहंकार दिखाएंगे ना किसी को तो वो हमको हमसे बड़ा ज्यादा बड़ा अहंकार दिखाता है राइट। अगर हम ईगो दिखाएंगे तो वो उससे बड़ा ईगो सामने वाला भी दिखाता है राइट। और उसका सिंपल तरीका ये होता है ना जीतने का कि हम्बल पाथ ले लेना चाहिए राइट। अगर हम थोड़ा सा विनम्र होंगे तो हम आगे जा सकते हैं बहुत इजीली राइट। एक किसी ने मुझे एक ट्रिक बताई थी, पता है रोड में जैसे व्हीकल जाते हैं ना, तो दैट पर्सन एक ब्रह्मचारी है, वो बता रहे थे कि जो राइट मोस्ट लेन होती है ना जहाँ पे सब फास्ट व्हीकल जाने चाहिए, तो उन्होंने बोला कि देखो इसको ना ईगो लेन बोलते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी ईगो दिखाना चाहता है कि यार मैं फास्ट कार है मेरे पास राइट, तो हर कोई उधर घुसना चाहता है। उन्होंने बोला कि जो लेफ्ट मोस्ट लेन है ना उसको हम्बल लेन बोलते हैं, दैट वाज हिज डेफिनेशन। उन्होंने बोला कि नोटिस करना है कभी वो हम्बल लेन पे ना आराम से आगे जा सकते हो, तो इसलिए हम्बल लेन ले लो और उसके बाद बहुत स्पीड से जा सकते हो, क्योंकि वहां पे कोई नहीं होता है, खाली होती है नॉर्मली, लेफ्ट मोस्ट लेन जो होती है तो इस सभी लोग राइट मोस्ट लेन में ही घुसे हुए होते हैं राइट। सो दैट वाज अ गुड ट्रिक आई लर्न, मतलब देखो मैं फॉलो करता हूँ जब भी कभी ज्यादा ट्रैफिक होता है, बट आप कभी नहीं नोटिस करना लेफ्ट मोस्ट लेन पे कम व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए विनम्रता के साथ आगे जाना बहुत बहुत स्पीड ओवरटेक करने के लिए भी इजी रहता है। हाँ, ओवरटेक करना भी इजी रहता है और आगे जाना भी इजी रहता है राइट। और या उसके बाद एक बार कोई उनको मिला राइट, एक उनको मिला, जब वो लंका के कॉर्नर में पहुंच गया ना तो वहां पे एक सिमिका करके एक राक्षसी मिली उनको, ठीक है। और सिमिका बहुत इंटरेस्टिंग राक्षसी थी, वो क्या थी, वो ना किसी की शैडो को पकड़ लेती थी। ओके, और उसने ना शैडो को पकड़ लिया हनुमान की, हनुमान ने देखा कि ये तो आगे नहीं जा पा रहा हूँ, मैं इतना एंडेवर कर रहा हूँ पर आगे नहीं जा पा रहा हूँ राइट।
और उसके बाद हनुमान ने सोचा कि ठीक है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा करते हैं कि इसको मार देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मार दिया सिंह को और फिर वो आगे जाता है। तो बेसिकली समथिंग टू लर्न हियर इज दैट कि बहुत बार हम भी ना अपने एनवी में दूसरे को आगे ले जाने देना चाहते हैं, राइट। बहुत बार ऐसा होता है, राइट। जब एनवी का मतलब ये होता है कि मैं किसी और को बढ़ते नहीं देखना चाहता हूँ, ऐसा करके हम अपना ही बुरा करते हैं। जब भी हम ऐसा सोचते हैं तो हम अपना ही बुरा कर रहे होते हैं, जब भी हम किसी और को रोकने की कोशिश करते हैं, राइट। तो एंगर एनवी ये सारी चीजों से ना किसी और का नुकसान नहीं होता है। सीरियसली अगर आप एंग्री हो ना तो किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा है, एक्चुअली आप ही का नुकसान हो रहा है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, राइट। इसी तरह से एनवी में भी ऐसा ही होता है कि जब भी आप एनवियस होते हो किसी के तो आप अपना नुकसान कर रहे होते हो, तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता होता उससे, ओके। तो इसलिए फोकस एनवी के बियॉन्ड जाने की करनी चाहिए, राइट। व्हाट एल्स शुड बी गो फर्दर, शुड बी नॉट गो, आई डोंट नो, ओके। देयर आर सो मेनी गुड लर्निंग्स दैट आई डोंट वांट टू स्टॉप, बट नॉनetheless आई थिंक वी आर अबाउट टाइम, राइट। सो वी कंक्लूड। सो बेसिकली एटलीस्ट बिकॉज दिवाली आ रही है तो दिवाली के बारे में तो दो शब्द बोलने चाहिए, राइट। तो मैं सोचने वाली बात पता है क्या है, जब भी आप ये पटाखे देखो और लाइट्स देखो ना, तो समझना चाहिए कि ये लाइट्स और पटाखे क्यों हो रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए हो रहे हैं कि भगवान जो है वो वापस आए थे, और उसके पहले क्या हुआ, उसके पहले हम अपने घरों को साफ करते हैं, राइट। उसको बहुत क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद पहले तो ऐसा होता है, राइट, कि मतलब पहले तो घर को क्लीन करते हैं, फिर अपने बॉडी में भी उटर लगा के कुछ लोग उसको भी क्लीन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद लोग सजाते हैं घर को, और फिर सजाने के बाद लाइट्स जलाते हैं, राइट। ऐसे सब होता है ना दिवाली में। तो इससे क्या सीखने को मिलता है आपको? भगवान चाहिए ना, तो पहले जो अपने अनर्थ है ना, राइट, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, राइट, वो सारे लस्ट एंड ग्रीड एंगर प्राइड, ये सारी चीजें पहले छोड़नी हो। उसके बिना जो भक्ति है ना वो सिर्फ इल्यूजन है, ठीक है, सच में। उसके बिना ना भक्ति नहीं होने वाली है, प्रेम क्योंकि होने नहीं वाला, राइट। तो जब ये सब छोड़ पाएंगे ना, तब हमें सच में जो ज्ञान का बीज वो करना हमारे हार्ट में, तब फिर भगवान आएंगे, राइट। तो ये जो सिर्फ ना ये एक तरह का क्या बोला चाहिए, टोकन है जो हम करते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आज हम दिवाली के समय हम अपने इन सारी चीजों को छोड़ के ज्ञान का दीप जलाएंगे और भगवान को अपने घर में बुलाएंगे, राइट। और इनफैक्ट जब भगवान, जब ऐसा होगा ना कि जब हमारे हृदय में भक्ति आएगी ना, तो क्या होगा पता है? तो फिर सिर्फ ना हम भगवान के बारे में अच्छा सोचेंगे, बल्कि हम जितने भी लोग हैं ना हमारे आसपास, सारे लोगों के लिए भी अच्छा सोचेंगे, सभी प्राणियों के लिए, ओके, सभी के लिए। और वो जो स्टेट होगा ना, उसी से ही राम राज्य आ सकता है, ठीक है। तभी राम राज्य पॉसिबल है जब हम ये सारी चीजें छोड़ के और सिर्फ भगवान को बीच में रखते हैं, राइट। सो तभी ये सब संभव है, ओके। सो लेट्स रिसाइट दैट वर्स जो हम पहले रिसाइट कर रहे थे, और हम 5 मिनट उसके बारे में रखेंगे और फिर हम खत्म करेंगे। अच्छा, क्या हो, अच्छा टाइम है, ठीक है, मेरा टाइम है, तो हम एक बार लर्निंग सुनते हैं, राइट। हमें बस बहुत है बात बोलने के लिए, बस बहुत कुछ है, ठीक है। हम आगे चलते हैं फिर, अगर ऐसा ही है तो, ठीक है, आगे चले। बहुत हैवी हो रहा है, तो कुछ और बात करनी है तो आपको बताइए, मतलब किसी तरह का बदलता मुझे जैसे, ओके। सो क्या हुआ उसके बाद, रावण के पास बेसिकली विभीषण था, तो मंदोदरी के ना रावण को समझाने के लिए गई थी, पता है आपको, और उसने बोला था कि मत लो पंगा राम से, ठीक है, मत पड़ो इस चक्कर में, तो छोड़ दो सीता को और राम की शरण में चले जाओ। तो रावण ने क्या सोचा कि यार ये ना मतलब इसको ना सीता से ईर्ष्या है, द्वेष है, राइट, द्वेष है, इसके लिए ना ऐसा बोल रही है ऐसा कि सीता को छोड़ दो, राइट। बट एक्चुअली क्या हो रहा था बताया, एक्चुअली आप देखोगे तो रावण को ही राम से द्वेष था, एक्चुअली
इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा था, मतलब वो एनडीएस का नाम थे उसके, ठीक है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा था। इनफैक्ट विभीषण उसको समझाने जब गया ना, विभीषण बोला कि मतलब मत करो ये सब कुछ, छोड़ दो राइट, और राम के पास चले जाओ, उनके दास बन जाओ। तो उसने क्या सोचा पता है कि विभीषण जो है ना वो मेरे से डिसलॉयल है राइट, मेरा मतलब मेरा भला नहीं चाहता है और मुझे धोखा देना चाहता है ताकि मैं सब छोड़ दूं और राम के उसमें चला दूं, उसने ऐसा सोचा। लेकिन रियलिटी क्या थी पता है कि ये जो रावण था ना वो एक्चुअली जो लंका थी वो रावण की नहीं थी, रावण के भाई की थी, पता है कुबेर की थी वो लंका, ठीक है, और वो डिसलॉयल होके उससे उसने वो लंका छीन ली थी, ठीक है, तो खुद अपने ब्रदर के साथ डिसलॉयल था। लेकिन वो क्या सोच रहा था कि विभीषण जो है वो डिसलॉयल है, मेरा राज्य छीनना चाहता है, राइट, तो इसलिए उसको ये सब बातें समझ में नहीं आ रही थी, जो अच्छी अच्छी बातें हो रही थी ना उनमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस, एक लर्निंग ये मुझे, अगर आप किसी के लिए नेगेटिव सोचते हो तो आपको ये लगता है कि सब आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है। ओके ओके और दूसरी बात ये समझ में आती है कि अगर हमें कोई अच्छा बताने की कोशिश करता है लेकिन जब हम उस चीज में फंसे हुए तो हमेशा हमें उसका अपोजिट ही समझ में आता है। नहीं, ये लोग क्या ये सब करने को बचती उठती बोल रहे हैं, इतना सब ऐसे बोल रहे हैं, ये सब मत करो वो मत करो, लक्ष्मी गणेश की पूजा मत करो राइट। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं करो, मतलब अगर आपको बार बार वही बात लग रही है, मैं थोड़ा इस बात को बहुत स्ट्रॉन्गली बिलीव करता हूँ पर्सनली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिना नारायण के लक्ष्मी की पूजा करना मुझे सही नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, तो क्या होता है ना कि ये जो वर्ल्ड है ना ये एक्चुअली हमारे हम जो है ना उसका मिरर होता है, ठीक है, यानी अगर आपको कुछ लग रहा है ना कि यहाँ पे कुछ बुरा सा है राइट आसपास, तो पहले ये कंसिडर करना चाहिए कि वो बुराई मुझ में ही है क्या, ठीक है, इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली यही होता है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है ना कि ये सारे लोग बुरे हैं तो सोचना चाहिए कि जो बुराई आपको दिख रही है ना इन लोगों में वो बुराई मुझकी हो सकता है मुझमें हो, ठीक है, इस बोलते ना कभी कुछ बुरा जो देखकर मैं कर रहा हूँ उससे बुरा ना कोई राइट, तो पहले सोचना चाहिए कि हम अपने में बुराई को पहले देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। और इनफैक्ट क्या होता है ना स्पिरिचुअल जो लाइफ होती है ना, जैसे ही बताऊं तो स्पिरिचुअल लाइफ जो है ना वो सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी वाली लाइफ होती है, ठीक है, ऐसा ही है, पर ऐसा किए बिना ना आप कुछ सीख नहीं सकते हो, अगर आप हम्बल नहीं हो ना, ठीक है, तो कुछ भी सीखना पॉसिबल नहीं है, तब तक आप किसी और की सुनोगे ही नहीं, तब आपको लगेगा कि मैं ही सही हूँ, जो भी बोला जा रहा है ना वही सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है राइट, तो इसलिए सिंप्लिसिटी ह्यूमिलिटी के बिना भक्ति पॉसिबल नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ पॉसिबल नहीं है राइट। और जो रावण था ना वो एग्जैक्टली उसमें ये सारी चीजें लैकिंग थी, वो किसी और की सुनने को तैयार नहीं था राइट, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना तो जितने भी डीमंस होते हैं ना, जैसे हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, ये सारे लोग में ये सिमिलर क्वालिटी होती है, उनको ना कितना भी बुरा हो रहा होता है ना आसपास, फिर भी उनको लगता है नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, किसी और की सुनने को तैयार नहीं होते, वो अपने आसपास सारे यस मैन इकट्ठे कर देते हैं, ठीक है, तो उनके उनकी वाहवाही करें, उनका बड़ाई करें राइट, उनको कुछ अच्छा ना समझाए, तो एक जो डिमन होता है ना वो ऐसे ही तरह से बिहेव करता है। तो अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है ना इन डिमन से, तो हमको ना भक्तों की बात सुननी चाहिए, किसी और हायर अथॉरिटी की बात सुननी चाहिए, जैसे हम अपने दिमाग से काम करेंगे ना तो कुछ होने नहीं वाला, सही सही नहीं होने वाला है राइट, हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते राइट, डज मेक सेंस, ओके ठीक है, अब हम आगे नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा पता नहीं तो सेंस आ रहा है कि सुबह कब फंस गए राइट, मैं तो बोलते ही होगा, लेकिन बेसिकली उससे लर्निंग है कि वर्ल्ड इज द मिरर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस, जो भी हमें दिख रहा है ना वो समझना चाहिए, तो ठीक है, वी विल एंड दिस एंड वी विल एंड इट विद दैट श्लोक जिससे हमने किया, ठीक है, तो आप मेरे साथ एक बार और रिसाइट करो, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वीरसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ये श्लोक है ना, ये राम रक्षा श्लोक में आता है और इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भी आता है,
बट बेसिकली इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, इसमें जितने भी वर्ड्स है ना वो अलग अलग लोग राम को बोला करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीपल। फॉर एग्जाम्पल रामायण कौन बोलता था, तो रामायण है ना दशरथ उनको बोलते थे, जैसे होते ना निकनेम होता है, उनका पूरा नाम कुछ और था रामचंद्र राइट, लेकिन उनको दशरथ जैसे प्यार से बुलाते थे ना बच्चे को, वैसे रामायण ऐसे बुलाते थे, ठीक है, तो दशरथ उनको बोलते थे रामायण। और फिर राम भद्राय, तो ये कौन बोलता था, ये जो ब्राह्मण थे अयोध्या के वो सारे उनको राम भद्राय ऐसे बोलते थे, क्योंकि ब्राह्मणों को सब कुछ पवित्र ऑस्पिशियस चाहिए होता है राइट, तो राम भद्राय का मतलब तो सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस हो, ठीक है, ऐसे बोलते थे ब्राह्मण उनको। और राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय, तो रामचंद्र जो है वो उनको जो उनकी माँ थी मतलब जो जो पर्सन ले आती थे ये सारे लोग उनको रामचंद्राय बोलते थे, क्योंकि वो जब सुबह उठते थे तो उनको मून की तरह उनका फेस लगता था उनकी मदर्स को, ठीक है, इसलिए उनको वो रामचंद्र बोलते थे, ठीक है। वेद से का मतलब होता है कि जिसको वेद का पूरा ज्ञान हो, इनफैक्ट बहुत सारे मीनिंग है संस्कृत में वेद से का मतलब, वेद से का मतलब ये भी होता है, तो वेदों का जिन जो वेद का क्रिएटर है उसका ये भी मतलब होता है, ठीक है। सो ये जो वशिष्ठ और विश्वामित्र थे जो उनके गुरु थे वो लोग उनको वेद से बोलते थे, ठीक है। और रघुनाथ आर्य, तो रघुनाथ आर्य कौन बोलता था, जो जो उनके आर्मी के लोग थे ना जो उनके सेना में थे, क्योंकि उनके लिए ना रघुनाथ का मतलब जैसे रामचंद्र को वो रघुकुल का तिलक, रघुकुल तिलक इस तरह से देखते थे, जो तिलक होता है ना हमारे देश का सबसे प्रोमिनेंट चीज होता है राइट, उसी तरह वो उनको पूरे रघुकुल का सबसे प्रोमिनेंट समझते थे राइट, तो इसलिए उनको वो रघुनाथाय ऐसे बोलते थे, ठीक है। और फिर नाथाय, तो नाथाय कौन बोलते थे, जो हनुमान सुग्रीव राइट ये सारे जो लोग थे विभीषण वगैरह राइट, ये लोग उनको नाथाय बोलते थे, नाथ मतलब जिन जो मतलब मालिक है राइट, इस तरह से देखते थे। तो इनफैक्ट राम लीला में जो राम कथा में ना आपको तीन तरह के उनके सर्वेंट्स दिखाई देते हैं, उनका नाम है एक का एक को बोलते हैं प्रेष्य, ठीक है, और एक होता है किंकर और एक होता है दास, ठीक है। तो जो प्रेष्य होता है ना, प्रेष्य कुछ ऐसा होता है जो जो बेसिकली ना बहुत दूर दूर रहते हैं, जैसे विभीषण सुग्रीव, ठीक है, वो लोग ना बहुत दूर दूर मतलब क्यों, क्योंकि फियर थोड़ा फियर भी है भगवान का और मिक्स विद लव है, ठीक है। तो जैसे अगर राम आए उधर से तो ऐसे बात बात करेंगे थोड़ा दूर रहेंगे, ऐसे लोग ऐसे जो उनके दास है उनको प्रेष्य बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है किंकर, ठीक है, किंकर का मतलब पता है इसमें संस्कृत में क्या होता है, ठीक है, किंकर जो होता है ना, हाँ सॉरी उसको अच्छे से नहीं, नहीं तो किंकर का मतलब होता है संस्कृत में कि जो ना भगवान से बोले आके, मतलब दास जो है वो मालिक से बोले कि किम करोमि, मैं क्या कर सकता हूँ आपके, ऐसे ऐसे को किंकर बोलते हैं, ठीक है। तो जो हनुमान है जैसे कि राइट, तो वो भी दूर दूर रहेंगे, लेकिन जब अगर राम आ गए वहां पे तो वो तुरंत आएंगे और बोलेंगे कि किम करोमि राइट, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ राइट। तो वैसे वैसे जो है उनको बोलते हैं किंकर, तो इस तरह के जो कैटेगरी ऑफ सर्वेंट्स होते हैं उनको किंकर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो दास होता है ना, दास स्पेशल सर्वेंट होता है, जैसे कि लक्ष्मण जी राइट, जो कि बिल्कुल क्लोज भगवान को फॉलो करते हैं, उनकी हर चीज में सेवा करते हैं और हर जगह से बातें भी करते हैं, ऐसे सर्वेंट को बोलते हैं दास, ठीक है। तो ऐसे लोग उनको नाथ बोलते हैं, नाथाय राइट। और सीता या पति नमः, तो सीता सीतापति बोलता है उनको, तो सीतापति जो होती है अयोध्या की जो स्त्रियां होती है ना वो उनको सीतापति बोलते हैं, क्योंकि उनको सीता जी से ज्यादा मतलब है, उनको अच्छा अच्छा ये सीता के पति जा रहे हैं इस तरह, ठीक है। तो सीता या पति नमः, तो डिफरेंट पीपल कॉल देम डिफरेंटली राइट, बट नेवरथलेस गॉड रिमेंस द सेम। एनीवेज एनी क्वेश्चन एनीथिंग एनी डाउट कंसर्न एनीवेज टू रीड टू डाइजेस्ट टू मेक थिंग्स इन वन शॉट राइट, और जिसने नोट्स नहीं लिया है उसको तो सब कुछ मिस हो गया होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, नोट लेने के बाद भी मिस हो जाएगा। पहले रामचंद्र जी एंड कितना है, तो और मतलब वैसे देखो एरावा इस रामचंद्र जी का एरा बहुत ज्यादा दूर है कलयुग से और ये कृष्णा का एरा बहुत ज्यादा पास में, तो कंपटीशन भी अट्रैक्टेड टू कृष्णा, माया से अट्रैक्टेड टू राम, हु इज अट्रैक्टेड टू राम,
अब जैसे देखो तो ये राम मंदिर का ज्यादा चलता है, ज्यादा चलता है राम मंदिर का, नहीं अभी मथुरा के लिए भी चल रहा है ऐसा नहीं है। नहीं देखो हमें मथुरा और अयोध्या से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप जहाँ बनती है ना भक्त, ठीक है, जहाँ भी भगवान का नाम ऐसे ऐसा वो है, वो सुना है कभी, हरि सदा बसे तत्र यत्र भागवत जनम गायन्ति भक्ति भावेन हरि नाम ये भक्ति भवन। जहाँ में भी भगवान के भक्त ना भक्ति भाव से भगवान का भजन करते हैं ना, वहीं पर भगवान रहते हैं, ठीक है। उसके लिए मथुरा और अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर भी बैठ के आप भगवान का भजन करते हो भगवान वहीं रहते हैं। अब नाउ कमिंग टू कि राम से कुछ ज्यादा अट्रैक्शन है क्या लोगों का, एक रीजन है, एक रीजन क्या है बताएं कि राम जो है ना वो हमारे मॉरल साइंस में फिट हो जाते हैं, राइट। और जो जो कृष्ण है ना वो हमारी मॉरलिटी में फिट नहीं होते, ठीक है। एक बार मैं तो जिनको नहीं बताया, बेसिकली हम लोग अभी कुछ महीने में दिसंबर वगैरह में हम लोग जाते हैं बाहर, भगवत गीता और श्रीमद भागवत हमारी सारी किताबें हम ले जाके टेबल पे लगा के रख देते हैं, जिसको खरीदनी है वो खरीद के राइट कर मंदिर से लाते हैं और वो पैसे दे देते हैं। एक बार मैं किसी ऐसी जगह पर था और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो एक कोई गर्ल से मैंने बोला कि अरे आप ये बुक है कृष्णा की, तो उन्होंने बोला रामायण नहीं है क्या आपके पास, मैंने बोला नहीं रामायण तो नहीं है बट कृष्णा की है किताब है जिसको आप ले लो, तो बोलते कि नहीं नहीं रामायण ही पढ़ूंगी मैं, मतलब कृष्णा थोड़े ज्यादा नटखट है मतलब तो वो हमारे उसमें फिट नहीं होते मोरालिटी में। बट मैंने बताया ना कि भगवान जो है ना वो सुप्रीम है, ठीक है, वो हमारे मॉरल साइंस में फिट हो या ना हो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। पर इसलिए भगवान को कॉपी करना सही नहीं है, यदि हम कॉपी करने की सोचेंगे ना तो बहुत सारी और भी चीजें भगवान करते हैं उनमें से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रामचंद्र जी ने वो धनुष भी तोड़ दिया था, पता है जब वो फाइट हो रही थी, राइट, अगर वाल्मीकि रामायण में पढ़ेगा ना खरदूषण 14,000 लोगों के साथ आए थे वहां पे, तो वाल्मीकि रामायण में अमेजिंग डिस्क्रिप्शन है, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो पढ़ना चाहिए वो वाला एरिया, जिसको लगता है ना राम बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है उसको जाके पढ़ना चाहिए वो वाला, ठीक है। 14,000 लोगों को अकेले मार दिया उन्होंने वहां पे, ठीक है। सो भगवान को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना, कॉपी नहीं कर सकते हम, हमसे सिर्फ उनको सरेंडर कर सकते हैं और कुछ करने लायक नहीं है हम लोग, राइट, सिर्फ शरणागत हो सकते हैं, उसे प्यार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वो फिट नहीं होते हैं इसका मतलब भगवान नहीं होंगे, राइट, दिस इज नॉट, दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्शन, भगवान आपके हिसाब से बिहेव करें नॉट रिक्वायर्ड, राइट। अगर आप श्रीमद भागवतम की पढ़ोगे तो वहां पे राधा का नाम तक नहीं आता है, क्योंकि शास्त्र भी डरते हैं नाम लेने से, पता है नाम लेने से डर लगता है शास्त्रों का, कि मतलब बहुत पर्सनल मैटर है भगवान का, इसमें ना पढ़ना अच्छा नहीं है, ठीक है, ओके। इसे समझना पड़ेगा कि आप किससे डील कर रहे हो, पहले इसे समझना पड़ेगा कि किससे डील कर रहे हो, इतना ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सोचना पड़ेगा कि एक ब्रह्मांड इतना बड़ा है और उसमें कितने सारे सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में एक सोलर सिस्टम है, उसके अंदर एक अर्थ है, उसके अंदर एक इंडिया है, उसके अंदर एक तेलंगाना है, नहीं सोचना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा कि ऐसे तो है ना ये कोई मैटर नहीं करता भगवान के लिए इनमें से कोई भी यूनिवर्स, ठीक है। हाँ भगवान को हमको अट्रैक्ट करके लेके जाना है, अभी आप जिससे भी अट्रैक्ट हो जाओगे ना उससे भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट, there is no issue on that, right? But we have to understand कि तत्व क्या है, उस तत्व पे फिर कभी बात करें, right? But at the same time अलग अलग रूप में भगवान आते हैं ताकि अलग अलग लीला कर सकें और उस अलग अलग लीलाओं से हम उसका आस्वादन कर सकें, right? हम उसको रियलाइज कर सकें, इसलिए भगवान अलग अलग लीला में आते हैं, that is what it means. लेकिन आज की सोसाइटी में हम दोनों लीला सुन सकते हैं, राइट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज के लिए सोचते हैं ना, राइट, कि आज की सोसाइटी में तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट मोरालिटी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग कुड गेट अट्रैक्टिव, नो प्रॉब्लम, राइट, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड द तत्व आल्सो, क्योंकि ये सारी चीजें ना इसीलिए ना
कहानियां जो होती है ना, कहानियों में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ओके, कहानियां जो है ना वो सुनने वाले काफी लोगों को लीला में बड़ा सुख मजा आता है, राइट। ये सारी लीला आपने सुनी है रामायण की, लेकिन क्या सीखा इससे आपने, राइट। फिर भी भाई लक्ष्मी गणेश लाके उनकी पूजा कर लेते हो, आपकी वाली के राम का नाम तक नहीं लेते एक बार भी, है ना। तो क्या फायदा, क्या फायदा है कि कहानी सुनने का दशहरा दिवाली की, राइट। तो इसलिए कहानियों में कुछ नहीं रखा, उससे क्या सीख सकते हैं ना उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि लाइफ ना आपकी है, राइट। तो इसलिए वो सोचना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। कोई अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों विष्णु है, दोनों भगवान है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन हम क्या सीख सकते हैं, बस उतनी सी बात, किसी और एंगल से समझ में आ जाती है तो उससे सीख लो, किसी और से आती है तो उससे सीख लो, ठीक है ना। या ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? टू मच आई वन डाउट रिगार्डिंग एवरीथिंग। हां, तो मतलब जनरली व्हेन पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टू राम, सो तो मतलब ऐसा क्यों नहीं करते कि मतलब हम उन्हें राम से कनेक्ट करें, फिर एक बार वो मतलब उन्हें प्यार वाला स्टेज क्योंकि मतलब समझ में आ जाए कि हमें भगवान से प्यार करना है, फिर हम उन्हें कृष्णा से इंट्रोड्यूस करें, फिर मतलब कृष्णा से लवेबल फॉर्म में। नहीं, वो सब ऐसे कुछ उल्टे सीधे ट्रिक्स कर सकते हो, लेकिन बेसिकली बात क्या होता है ना, इसीलिए शास्त्र और गुरु बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अपनी बुद्धि लगाने से ना गिरने का डर होता है, ठीक है। इसीलिए जो है ना आचार्य तो बताते हैं ना उसको एज इट इज फॉलो करना चाहिए, भगवत गीता एज इट इज वैसे, राइट। इसलिए एज इट इज फॉलो करना, ठीक है ना, दिमाग नहीं लगाना चाहिए सब चीजों में। एक बार मेरे पास कोई आया टीचिंग के बात कर रहे हो पुणे में था, मैं उन्होंने बोला कि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे प्रीचिंग के लिए कुछ सोच रहे हैं क्या, जैसे कई लोग ना लड़के सिगरेट पीते हैं शराब पीते हैं, हम सोच रहे हैं कि उनके लिए अल्कोहल फ्री बियर रखेंगे और वो वाली कोई सिगरेट रखेंगे ताकि वो लोग अट्रैक्ट होके आए और हम उनको कीर्तन भी सुनाएंगे। तो मैंने बोला कि देखो प्लीज मतलब डोंट गेट इनटू दिस, बिकॉज आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो और ऐसा करना सही है या गलत है, मतलब कुछ पता नहीं है, राइट। तो इसीलिए ना हमेशा जो पढ़े जो महाजन हो ये कथा संबंध था, राइट। जो महाजन जो है जो आचार्य जो है जो सिखा भी गए हैं ना उसको एज इट इज फॉलो करना चाहिए, अपना बहुत बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, ये तो खुद ही बाद में थोड़ी देर बाद कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, इट्स ओके, राइट। बहुत ऊपर से गया लोग कुछ लोगों को तो सत्यों में हंसा अवतार हुआ था। ओके, सुना है आपने? नहीं। सो बहुत सारे अवतार होते हैं भगवान के, अवतार जो है ना ऐसा बोलते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, बहुत सारे असंख्य अवतार हैं, ठीक है, और हर युग में होते रहते हैं, और सिर्फ अर्थ में हो जरूरी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हो जरूरी नहीं है, ठीक है। जो आप प्रहलाद की लीला सुनते हो वो कब हुई थी, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब आप वेडनेसडे को आओगे, ठीक है ना। ऑलराइट, सो फार सो गुड। ओके, वंचा कल्पतु वैश्वे विपास सिंधु वैच पतिता नाम पावने देव वैष्णवे देव नमो नमः शंति पुरि वैष्णव वृंद की जय। शिवम प्रभु जी, आप लोग बहुत भयानक तरीके से आप मिस करने वाले, उसके आगे तो लोग भी आए नहीं है।